गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया, गुड। सो गाइज, वेलकम टू क्लास नंबर वन। जर्नी बहुत बड़ा है, आई गेस। कौन सा मंथ चल रहा है? 15 जुलाई, 15 जैन, 31 जैन, अप्रॉक्सीमेटली 31 जैन, और 10 दिन थोड़ा और गिन लो, 15 फेब मान लो। मतलब हाउ मेनी मंथ्स? 7 मंथ्स पक्का ना? काउंट करें क्या एक बार? ऐसे करते ना काउंट। चलो, जुलाई के बाद कौन सा आएगा? अगस्त के बाद? सेवन मंथ्स, एग्जैक्टली 7 मंथ्स। यू विल सी मी, यू विल सी लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, एंड इट विल बी लाइक अ होम टू अस। बराबर है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो ईच अदर वेरी वेल। बराबर है? मेरे को हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, गुजराती आता है, मराठी भी आता है थोड़ा बहुत। और कुछ सीखना है? मतलब मुझे कुछ सीखना है और नहीं ना? ठीक है। फिर मुझे एडवांस अकाउंटिंग आता है, और फिर मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, और सब्जेक्ट वाइज मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोफेसर्स है, सो यू विल अकॉर्डिंगली मीट देम। परफेक्ट है ना? सो व्हाट विल आई टीच यू? एडवांस अकाउंटिंग। एंड व्हाट विल आई टीच यू? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एडवांस अकाउंटिंग इज इन ग्रुप वन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इन ग्रुप टू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ एक और सब्जेक्ट है विच इज़ नोन एज SM करके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वो कोई और पढ़ा लेगा, ठीक है ना? पहले ट्राई करेंगे हम ग्रुप वन करें, बट फिलहाल क्लास में डिस्टिंक्शन ऐसे नहीं करेंगे कि ग्रुप वन ग्रुप टू, बिकॉज आई वॉन्ट द एंटायर क्लास टू गिव बोथ द ग्रुप्स। परफेक्ट है? अंडर द न्यू कोर्स डेफिनेटली। आप सबको पता है कि पहले ओल्ड कोर्स था, अभी न्यू कोर्स है, बराबर ना? ओल्ड कोर्स में क्या था कि वी यूज टू हैव 4 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप वन एंड 4 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप, तो वो 4 सब्जेक्ट्स टोटल कितना हो जाता था? 8। तो लोगों को थोड़ा भारी पड़ता था, तो वहाँ पे हम लोगों को स्ट्रैटेजी देते थे कि भाई पहले आप ना ग्रुप वन कर लो, ग्रुप टू के 1-2 पेपर कर लो अकॉर्डिंगली, तो मज़ा आ जाएगा। अभी तो ग्रुप वन में 3 और ग्रुप टू में 3 हो गए, सो 3 और 3 ओवरऑल सब्जेक्ट ही कितने रह गए? 6। एंड वी आर एट गुड इनफ टाइम दैट वी कैन कम्प्लीट दिस 6 पेपर्स, बराबर है ना? सो टारगेट है हमारा कि हम सारे 6 पेपर देंगे May 24 में, एंड क्लियर करेंगे। पक्का? रूल नंबर वन, आपको टाइम टेबल, 1 वीक का टाइम टेबल आपको नेक्स्ट उसके प्रीवियस वीक के फ्राइडे सैटरडे मिल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल आज कौन सा दिन है, तो आज मैं जाने से पहले आपको नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल दे दूंगा। और अगर मैं आपको टाइम टेबल नहीं दे रहा हूँ, तो अपना एक वेबसाइट है studycircleprofessional.com, studycircleprofessional.com पे जाना है, टाइम टेबल पे क्लिक करना है, CA इंटर पे जाना है, आपका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। टिल द टाइम योर रिजल्ट्स कम आउट, डेफिनेटली दिस इज एन अर्ली बर्ड बैच, और अर्ली बर्ड बैच में हम इतने अच्छे लोग हैं तो फिर बढ़िया ही है, बराबर है ना? बिकॉज बाकी का दुनिया तो अभी रिजल्ट के लिए वेट कर रहा होगा। सो टिल द टाइम योर रिजल्ट्स कम आउट, आई कीप 1 लेक्चर फॉर यू गाइज एवरी डे। और लेक्चर का टाइम 3 to 6 नहीं होगा, 12 to 3 होगा। आज पहला दिन था तो हमने 3 to 6 रखा है, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज। सो मंडे टू सैटरडे, संडे छुट्टी मनाओ, बट रिजल्ट आने तक ही मनाओ। और ये 12 to 3 भी तभी खुश होना क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है। जैसे रिजल्ट आ जाएगा, यू विल हैव मिनिमम ऑफ 6 आवर्स ऑफ क्लासरूम एवरी डे। 6 का 7, 8 भी होगा, संडे भी क्लास होगा, टेस्ट भी होगा, बहुत कुछ इंट्रोड्यूस होगा। सो एज ऑफ नाउ तो हम लोग इसे बोलते हैं कि हनीमून पीरियड चल रहा है, धमाल करता है, परफेक्ट है। बट फिर भी इस हनीमून पीरियड में भी बहुत अच्छी चीज़ें सीख के निकलेंगे हम लोग। गॉट दिस ना? फॉर एग्जांपल जैसे मैं आज एडवांस अकाउंटिंग चालू करूँगा, तो मैं बेसिक से चालू करूँगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली फाउंडेशन तो आपने हमसे किया नहीं। अब आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट एंट्री है, इंटर कर रहे हो, कोई फाउंडेशन के थ्रू आ रहा है तो इंटर पे जा रहे हो, दोनों सेम ही है बेटा, ठीक है ना? ऐसे कोई बाइफर्केशन ही नहीं है कि हम डायरेक्ट एंट्री से और हम फाउंडेशन से, दोनों का नॉलेज उतना ही है। बिकॉज कॉलेज में हमें पता ही है हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, पता है क्या नहीं पढ़ना है, ऑप्शन में क्या छोड़ना है। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो कोई भी फाउंडेशन से हो या डायरेक्ट एंट्री से हो, वी डोंट डिफरेंशिएट एट ऑल। हमें इतना पता है कि तुम्हें अकाउंट्स नहीं आता है, सो वील गो बाय द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड देन वील कैच इट अप स्लोली एंड स्टडीली, बराबर है? एंड सेम वील डू विद लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो देर आर लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स लाइक टैक्स, कॉस्टिंग, वो तो फाउंडेशन में था ही नहीं।
और डायरेक्ट एंट्री वालों को भी था टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग थोड़ा बहुत, बट बेसिक लेवल पे था। ये लेवल थोड़ा हाई है अभी, पर्टिकुलरली विद न्यू कोर्स कमिंग इन टू पिक्चर, ये बहुत प्रैक्टिकल हो गया। आई लव इट। आज मैं आपको एडवांस अकाउंटिंग का पोर्शन दिखाता हूँ आपका, सो रियली अमेजिंग, धमाल करने लायक पोर्शन है, परफेक्ट है। और स्कोप बढ़ गया है, भले ये लोग बोलते हैं सब्जेक्ट छः हो गए, सब्जेक्ट छः होने के बाद स्कोप बढ़ गया। पहले अकाउंट्स दो हुआ करते थे, ग्रुप वन में एक अकाउंट्स होता था, ग्रुप टू में अकाउंट्स होता था। वी यूज टू हैव अकाउंट्स एंड वी यूज टू हैव एडवांस अकाउंट। अब उसको मर्ज करके क्या बना दिया उन्होंने, एडवांस अकाउंट्स। सो द स्कोप इज प्रिटी हाई, परफेक्ट है। सो जंप है तो अपने को वो जंप कैचअप करना है, बट वही स्लो एंड स्टेडीली आगे जाएंगे। क्लास के रूल्स क्लीन रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडवांस अकाउंटिंग के क्लास में आ रहे हो तो एडवांस अकाउंटिंग का नोटबुक होना चाहिए। आई विल गिव यू टेक्स्ट बुक ऑल्सो। आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे एडवांस अकाउंटिंग का टेक्स्ट बुक, थोड़ी चीज़ें बाकी है तो ये मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ। सो दिस इज़ एडवांस अकाउंटिंग न्यू सिलेबस, दिस इज़ ग्रुप वन का सबसे पहला पेपर, इंडेक्स है आपका, इंडेक्स के थ्रू लेके जाता हूँ। सो आई विल गिव यू दिस टेक्स्ट बुक ऑल्सो। सो अगर हमारे पास आज एक दिन में एडवांस अकाउंटिंग का क्लास है तो आप एडवांस अकाउंटिंग का टेक्स्ट बुक, नोटबुक, स्केल, पेंसिल, कैंसिल, कैलसी सब लाएंगे। कैलसी शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, वो बैग से कभी निकलना नहीं चाहिए। एवरी डे विल हैव एज ऑफ नाउ वन लेक्चर, पर जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो विल हैव टू क्लासेस एंड आई ट्राई टू मेंटेन दोज टू एज डिफरेंट क्लासेस। एक ही सब्जेक्ट के 6 घंटे तक क्लासेस करेंगे ना तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, बिकॉज आपको ही देखता रहूंगा, आप मेरे को देखते रहेंगे। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़ा चेहरा बदल जाए। अगर मैं ही पूरा 6 घंटा लूँगा तो मैं काम करूँगा, ब्रेक में थोड़ा पाउडर पाउडर लगा के आ जाऊँगा ताकि कोई और लगे। कर दैट पक्का। अदर थिंग, द क्लासरूम बिकम्स अ नटशेल। फाउंडेशन आई डोंट नो आपने कहाँ से किया, पूछना नहीं, और डायरेक्ट एंट्री से तो कोई लेना देना ही नहीं है। बट नाउ एज आई टेल यू ना, 6 मंथ्स, वो भी 12 से 6, 12 से 8 रोज़ यहीं आओगे तो क्लासरूम बिकम्स लाइक अ फैमिली, परफेक्ट है। सो ट्राई टू बी फ्रेंड्स एज सून एज पॉसिबल, बराबर है। और मेरे से तो फ्रेंडशिप आज ही कर लो, बिकॉज अगर आप बात नहीं करोगे तो मैं सो जाऊंगा, और मैं सो जाऊंगा तो फिर पता नहीं आप क्या करोगे। गॉट इट। और क्या, नोट्स बनाने, नोटबुक में लिखते रहना है सब कुछ, एवरीथिंग इन राइटिंग, ग्रंथ की तरह काम करना है हम लोगों को। सो ये सारी कहानियाँ हम करते रहेंगे। बढ़िया। एनीथिंग एल्स दैट यू वॉन्ट टू आस्क मी, बोलो। वो ग्रेजुएशन में केटी है तो वो क्लियर करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाना। हाँ ऑफ कोर्स, उसके पहले हो भी नहीं तो ये पाएगा। लास्ट डेट कब तक होगा इसका रजिस्ट्रेशन? सी ए इंटर का फिलहाल तो चालू किया उन्होंने, ऐसी कोई बात ही नहीं की है ना। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, बोलो। पक्का। लैंग्वेज इज कंफर्टेबल, लैंग्वेज हिंदी मिक्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स आता रहेगा मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली। कुछ नहीं समझेगा तो जैसे मैंने कहा कि तुम लोग बोलोगे थोड़ा मराठी ट्राई कर लो तो वो ट्राई कर लेंगे, पर आपको सिखाना पड़ेगा। मेरा सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट वॉज मराठी, आई डोंट नो तुम्हारा क्या था। मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, मैंने स्कूलिंग दिल्ली में की है 9th तक, फिर 9th में एक्सपोर्ट हो गया सीधा मुंबई। अब मुंबई में बोला लोगों ने क्या आने वाला है सब्जेक्ट में, मराठी। 9th तक तो मराठी पढ़ा ही नहीं था। अब डायरेक्टली 9th के फाइनल एग्ज़ाम में मराठी आया तो उसमें तो कैसे भी करके टीचर वीचर को मना के मराठी का पेपर नहीं दिया, उन लोगों ने भेज दिया मेरे को 10th में। फिर 10th में पहली बार मराठी का पेपर दिया तो 40 में से 2 आया, फिर 100 में से 18 आया, और फिर फाइनल में 100 में से पता नहीं 35 कैसे आ गया, डैट आई सीरियसली नो के एग्जैक्ट 35 आया मेरे को। मेरे को हिंदी और मराठी में डिफरेंस ही नहीं समझता था, अभी भी नहीं समझता है। कोई लिखने को बोलता था तो मैं एक्चुअली हिंदी लिख देता था, मराठी बोल देता था। इट्स लाइक सिंपल। कोई डाउट्स हैं? पोर्शन देखेंगे आप एडवांस अकाउंटिंग का एक बार, बट आज मैं यहाँ से कुछ चालू भी नहीं करने वाला हूँ, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट ऑल दिस, ठीक है ना। मैं कुछ और ही चालू करूँगा, आपको पता चलेगा। सो गाइज, पहले नंबर ऑफ चैप्टर्स देख लेते हैं और उसके बाद एक चीज़ और दिखाता हूँ कि क्या तुमने नहीं किया और क्या करना है हमें। सो यू विल हैव टोटल नंबर ऑफ 35 चैप्टर्स, बहुत ना। पहले दिन क्या दिखा रहे हो, अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? हाँ बट सीए कर रहे हो। सो आजकल मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, मेडिटेशन। फिटनेस तो करता ही हूँ मैं, मेरे फेस से शायद नहीं दिखेगा आप लोगों को, सो आई एम 43, बट फिटनेस फ्रीक हूँ। जिम रोज़ जाना होता है, यू विल नेवर सी मी टेकिंग लेक्चर्स आफ्टर 6, कर ही नहीं सकता हूँ। उसके बाद क्या करना होता है, अपने को जिम जाना होता है। कभी कभी मैं खाना
कांदिवली रहता हूँ तो क्लासेस साइकिल लेके आ जाता हूँ, जॉगिंग कर लेता हूँ एवरी टाइम, देयर इज लाइक 4 or 5 marathons अ ईयर, परफेक्ट है। और अभी जिम के साथ साथ जिम ट्रेनर ने बोला है सर मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन में बोला है उन्होंने देयर इज समथिंग विच इज़ नोन एज क्या कहते हैं अपना तो थॉट प्रोसेस होता है उसे अच्छा करना है, सो एवरी टाइम खाली पॉजिटिव ही सोचना है और एवरी टाइम अपने दिमाग को बोलते रहना हम ये कर सकते हैं। तो आज भी तुम लोग आज से एक चीज़ चालू करोगे, हम सीए तो कर सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि पहला एक्सप्रेशन है सर 35, 35 देखिए 35, बट आई टेल यू यूल हैव फन ऑफ दैट, आर वी एग्जैक्टली क्लियर? और आपका पोर्शन क्या है जो पहले नहीं था थोड़ा बहुत, सो इफ आई नाउ लुक एट इट ना, सो स्टार्टिंग से चालू करता हूँ, कैन यू सी चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 2 छोड़ दो, चैप्टर नंबर 3 अप्लीकेबिलिटी ऑफ, देन AS1 का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, ये सब AS, 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 AS,
चैप्टर तो किसके हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के. सो व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बेस है जिसपे अकाउंट्स बनता है. परफेक्ट है ना? जो फाउंडेशन में आया ही नहीं, सो देयर वाज नथिंग रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन फाउंडेशन. अपना पूरा सीए इंटर का सिलेबस इज ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड 5-6 प्रैक्टिकल टॉपिक खाली. अभी क्लियर विद दैट? और इसके बाद जो आएगा ना, सीए इंटर क्लियर हो गया, फिर कहाँ पहुँचोगे? सीए फाइनल. तो सीए फाइनल में हमारे सब्जेक्ट का नाम बदल जाएगा, अकाउंट्स का नाम एडवांस अकाउंटिंग नहीं रहेगा, अकाउंट्स का नाम बन जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. क्या बन जाएगा? एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नथिंग बट अकाउंटिंग का ही पार्ट है, और उसका पोर्शन होगा इंड एएस. ये क्या कर रहे हैं हम लोग? एएस. वहां पे हम क्या करेंगे? इंड एएस. सर एएस क्या होता है, इंड एएस क्या होता है, वो मैं आपको सब समझाऊंगा, बट आज नहीं. जैसे मैंने कहा, मुझे वहां पे नहीं जाना. परफेक्ट है? सो जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर कराने वाला हूँ, दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तब मैं आपको बताऊंगा देर इज समथिंग विच इज नोन एज एएस, देर इज समथिंग विच इज नोन एज इंड एएस, देर इज समथिंग विच इज नोन एज आईएफआरएस. सुना हुआ है ऐसा कुछ भी? नहीं. एएस सुना हुआ है? तो एएस से चालू करेंगे. वैसे हमारे पोर्शन में क्या है सारे? एएस. पक्का? सर कितना बज रहा है? अरे बाप रे बाप. आइए कल से टाइम पे. एक और चीज़, जैसे सर अभी कह रहे हैं, सो लेक्चर्स विल ऑलवेज स्टार्ट ऑन टाइम. एवरी फैकल्टी विल स्टार्ट अ लेक्चर ऑन टाइम. शायद छूटना थोड़ा, अभी हनीमून पीरियड चल रहा है तो मैं जल्दी साथ छोड़ दूँ, बट लेक्चर विल ऑलवेज स्टार्ट जो टाइम पे अनाउंस किया गया. मेरे को ठीक नहीं भी होगा ना, तो भी मैं क्लास में आऊँगा और आपको बताऊँगा मैं ठीक नहीं हूँ, हम घर जा रहे हैं. या तो पहले से अनाउंसमेंट हो गई होगी कि कल क्लास नहीं है, अदरवाइज क्लासेस विल नॉट गेट कैंसिल. सो पहली अगर कोई चीज़ करनी है ना, अगर मतलब प्रोफेशनल कुछ बनना ना, तो दो चीज़ चाहिए, कंसिस्टेंसी और एक डेडिकेशन. डेडिकेशन मीन्स पूरा दिल लगाना उस पर. कंसिस्टेंसी मीन्स किसी दिन दिल नहीं भी लग रहा हो ना, तो भी करना है. अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? अब कल की बात मैं बताता हूँ आपको. सो कल धीरे धीरे तुम सब पहचानने लगोगे मेरे को. मंडे वेनसडे फ्राइडे मेरा जिम डे है. अब कल फ्राइडे था, मैं यहाँ से निकला क्लास से 4 बजे, 5 बजे जिम पहुँचना था. एब्सोल्युटली बोर मार रहा था कि नहीं जाना यार, वो आज थक गया हूँ, नहीं करना. पर अभी फ्राइडे है, भाई को पैसे दे रखे, ट्रेनर रखा है जिम में. अब पैसे दिए तो नहीं जाएंगे तो जलेंगे ना अपनी. तो भाई गए और 10 मिनट एक्सरसाइज किया ना, बिलीव मी जो मज़ा आया ना उसके बाद, तो 50 मिनट्स दिल खोल के एक्सरसाइज किया. और कल तो भाई ने सब फोटोग्राफ वोटोग्राफ निकाले मेरे, बोलते अभी जिम वाले के उधर दिखाना पड़ेगा सर बिफोर आफ्टर. और वो भी कल ही हुआ जब अपना मन था ही नहीं. सो कभी कभी ऐसा होगा, यू नो व्हाट विल हैपन इज बिकॉज कंसिस्टेंटली रोज 6 घंटा आओगे ना, तो एक दिन अपने आप को लगेगा नहीं आना, पर उस दिन ना पुश करके आ जाना. And I'll tell you, बहुत अच्छा ही होगा. So we require that level of what? Consistency. Perfect है? पक्का एकदम? चलो start करें. बाकी सब professors आपको आते आते मिलते रहेंगे. So guys, आज मैं कौन सा lecture ले रहा हूँ आपका? Advanced Accounting का. Monday को मैंने आपका class रखा है 12 to 3, taxation का. जिनेश सर आएंगे.
फिर ट्यूसडे मैंने आपका क्लास रखा है 12 to 3 लॉ का, तो उस दिन आपको मिलेंगे परी मैम। अभी एग्जैक्टली क्लियर कॉस्टिंग भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराऊंगा, वो ग्रुप 2 में, वहाँ पे आपको देवांगी मैम मिलेंगे। क्लियर है? वो बॉयज़ गर्ल्स का हम लोग ने बाइफरकेशन बरोबर करके रखा है, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। चकास है? बट एवरी डे 1 लेक्चर 12 to 3 एंड दिस इज हाउ विल गो अहेड। मेरे लिए वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मेरे लिए नोटबुक आज से चालू होगा और आज से हमारा ग्रंथ बनता जाएगा। कुछ नहीं समझे, यू हैव अ राइट टू आस्क मी इन द क्लास। सर नहीं समझा, वापस बचाओ। एंड अगर समझ जाओ तो मेरा एक सिंपल सा वर्ड है, झकास। क्या? तो बोलने का कोई डाउट है तो बोलो झकास। कोई डाउट नहीं तो ऐसा नहीं करने का, क्या बोलने का? वेरी गुड। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब मैं ये सब्जेक्ट वब्जेक्ट के अंदर नहीं जा रहा हूँ, ये बाइफर्केशन के अंदर नहीं जा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक बन रही है, आई गेस पॉसिबली हम लोग पहले लोग होंगे जो टेक्स्ट बुक बना लेंगे। आज भी टेक्स्ट बुक टाइप ही हो रही है। देखो आप अगर देखोगे ना तो मैं चैप्टर नंबर कहाँ तक पहुँच चुका हूँ पता है? 29 तक हो चुका है। 296 पेजेस का टेक्स्ट बुक ऑलरेडी बन चुका है। अभी कितने चैप्टर और बनाने बाकी है? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6 चैप्टर बनने बाकी। मतलब मेरा बन गया, टाइपिस्ट टाइप कर रहा है। आज शाम तक ये भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक तक तो आपके हाथ में एक मस्त ग्रंथ आने वाला है, बराबर है? वो पूरे इंडिया में अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं किया होगा। आई विल बी द फर्स्ट वन टू लॉन्च। अपने बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी है तो उन लोग के पास भी जाता है पूरा डिलीवरीज वगैरह। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, और एक और चीज़ बताना भूल गया, आप सबको मेल आ गया ऐप के बारे में। अगर कुछ नहीं पता चला है तो प्लीज़ ऑफिस से कॉन्टैक्ट करो, कैसे डाउनलोड करना है, लेक्चर्स कैसे देखने हैं। उसमें मैंने एक चीज़ आपको फ्री दी है, सबको फ्री देते हैं हम लोग, दैट इज़ नोन एज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स ऑफ, आज थोड़ा नटशेल में सिखाऊंगा वो सब कुछ, बट उसके डिटेल्ड लेक्चर्स आपके ऐप में ऑलरेडी है। आप उसे डाउनलोड करेंगे और देखना चालू करेंगे। अभी क्लियर विद दैट वन? और वो देखना ज़रूरी है बिकॉज कहीं ना कहीं स्कूल्स में थोड़ी चीज़ें, या स्कूल मतलब कॉलेज लेवल, मेरे लिए वो स्कूल हो गया, तो वहाँ पे थोड़ी गलत चीज़ें सिखाई गई है। डायरेक्ट एंट्री तो पूछो ही मत, कॉलेज वाले क्या करते हैं वो हमें भी पता है। परफेक्ट है? सो अगर अकाउंटिंग कोर में घुसना है तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो वो मैंने आपके ऐप में प्री लोडेड डाल दिया है। परफेक्ट है? फिर आपके ऐप में और क्या आएगा? तो एडवांस अकाउंटिंग, टैक्स, लॉ, सब सब्जेक्ट जुड़ते जाएंगे। और आज मैं जो लेक्चर ले भी रहा हूँ ना, ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है अभी, और ये लेक्चर भी आपके पास ऐप में आ जाएगा। परफेक्ट है? मैं तो इसका एक एक्सेल शीट बना के भी आपको दूंगा, आप अपने पास भी अगर बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा है कि लेक्चर नंबर 1 में राहुल सर ने ये सिखाया था। कभी ना आगे जाके अपने को पता चला ये क्वेश्चन टफ है तो अपने को रिफ़र करना है, तो अपने को पता होना चाहिए वो कौन से चैप्टर कौन से लेक्चर में था। तो वो एक्सेल शीट मैं आपको बना के दे दूंगा, तो आप उसको डायरेक्टली रिफ़र कर सकते हो वहाँ से देख के। परफेक्ट है? टेस्ट भी आ रहा है, टेस्ट आने के लिए भी अपने को रिविजन चाहिए, तो वो ऐप में ऑलरेडी लेक्चर प्रीलोडेड है। गॉट इट? बट एक प्रॉमिस, लेक्चर मिस नहीं करना कभी भी, क्योंकि ऐप में दे रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि चलो एक लेक्चर मिस कर लिया अब मैं देख लूंगा, ये कभी नहीं होगा। इनफैक्ट दैट विल अगेन प्रीलॉन्ग यू। कंसिस्टेंसी इज द की, भूलना नहीं। बढ़िया, कैन वी स्टार्ट? अब आज मैं किससे स्टार्ट करने वाला हूँ? आज मैं चालू करने वाला हूँ आपके साथ समथिंग विच इज़ नोन एज इंट्रोडक्शन, विच इज़ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग ओनली। जैसे मैंने कहा आज मैं कोई चैप्टर नंबर 1 2 से चालू नहीं करूँगा। आई विल गेज यू टूडे कि आपको कितना आता है। परफेक्ट है ना? और नहीं आता तो मुझे वही थोड़ी क्लैरिफिकेशन आपसे क्लियर करनी है। सो आई विल स्टार्ट विथ वर्ड, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द अकाउंट्स। सो इंट्रोडक्शन में मेरा सबसे पहला वर्ड आता है, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड बुक कीपिंग गाइस? कभी? 12th में भी नहीं बोलूंगा, 11th में बोलूंगा, है ना? याद है किसी को? चलो कुछ भी याद हो तो बुक कीपिंग के बारे में। ना ना ना, वो तो गोल्डन रूल से बहुत आगे आया है। वंडरफुल। बुक कीपिंग का मतलब बुक कीपिंग, बुक को मेंटेन करना। अच्छा, कौन से बुक को मेंटेन करना? अकाउंट्स के बुक्स को मेंटेन करना। अकाउंट्स में कौन से बुक्स होते हैं? प्राइमरी बुक्स सुना है, फिर सेकेंडरी बुक्स, ऐसा कुछ सुना है? प्राइमरी बुक्स होते हैं, सेकेंडरी बुक्स होते हैं, और सर ने नाम भी बरोबर दिया। जर्नल सुना है, लेजर सुना है। सो बुक कीपिंग का मतलब क्या था गाइस? बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड
साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिकली एंड रेगुलरली इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कितनी चीज़ें है इसके अंदर पता? सात चीज़ें गिन के. कितनी चीज़ें? सात. इसको सात चीज़ों को हम लोग थोड़ा कलर में डालते हैं, मस्त वाले. कौन सा कलर अच्छा लगता है तुमको? ब्लू अच्छा लग रहा है क्या? मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है. रेड अच्छा लग रहा है? ये अच्छा दिख रहा है क्या? और थोड़ा ब्लड रेड करूँ क्या? ये अच्छा लग रहा है अभी? तो पहला वर्ड कौन सा हुआ? दूसरा वर्ड कौन सा हुआ? तीसरा वर्ड कौन सा हुआ? चौथा वर्ड कौन सा हुआ? पांचवा वर्ड कौन सा हुआ? नेक्स्ट वर्ड कौन सा हुआ? और उसके बाद का नेक्स्ट वर्ड कौन सा हुआ? सो बुक कीपिंग इज ऑल अबाउट दिस सेवन वर्ड्स. हाउ मेनी वर्ड्स? सो व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज एन आर्ट, इज अ ऑफ व्हाट? बिजनेस में क्या होता है? ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है. कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है? रेगुलरली. एक एक वर्ड पे जाते हैं. सो पहले तो डेफिनेशन याद करने की कोशिश करते हैं. बुक कीपिंग इज एन एंड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली एंड रेगुलरली इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. पक्का ना? ये कोरस बोलने का आदत तो अपना गया नहीं, सबको याद रह जाता है. अब बोलो. अब ना कोई भी चीज बाय हार्ट नहीं करनी है, फील करना. अभी क्लियर विदर्वन? कल मैं एक इंटर वाला लेक्चर ही ले रहा था, तो वहां पे इनको बोला अकाउंट से बातें करो, तो सब मेरे को देखते हैं अकाउंट से बातें कैसे कर सकते हैं. मैं सिखाएगा तुमको. किससे बातें करेंगे हम? अकाउंट्स. वो लेजर अकाउंट होता ना, राहुल अकाउंट, कैश अकाउंट. तो वैसे कैश अकाउंट बनाया, मैंने चलो अभी अकाउंट से बातें करो, तो बोलते कैसे बातें करेंगे? वो फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमसे बातें करेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यू नीड टू टॉक टू दैट. पक्का? सो बाय हार्टिंग नहीं चाहिए, बट वो सात वर्ड अंदर है वो याद रहने चाहिए. फर्स्ट, पहला वर्ड, व्हाट इज फर्स्ट वन? बुक कीपिंग इज व्हाट? अब सर ने कहा बुक कीपिंग मतलब बुक रखना है, तो बुक रखना भी एक आर्ट है, हाँ ना? स्कूल के दिन याद करो, खतरनाक आर्टिस्ट थे तुम लोग सब. वो एक बुक आती थी बहुत मस्त वाली, बुक याद हो तुम लोगों को तो, रफ बुक है ना? और वो आर्ट को तुम एक अलग लेवल पे लेके गए, कॉलेज के लेवल पे. स्कूल पे सीखा कि कुछ होता है जिसका नाम है, और बाद में वो बुक तो कॉलेज में मतलब बुक ही बन गई, हाँ ना? आर्टिस्ट थे कि नहीं थे? और मैं तो खतरनाक आर्टिस्ट था. वो सैटरडे हाफ डे होता था स्कूल में. अब मंडे टू फ्राइडे तो यार इतना बैग तो लेके ही जा रहे हैं पूरा भर भर के. अब सैटरडे आएगा वैसे ही हाफ डे, मस्त ना एकदम. अपने को दिखाना है ना स्कूल में अपन क्यूल डूड है. एक बुक लेके जाने का ऐसा फोल्ड वोल्ड करके मस्त हाथ में, और एक पेन. अब टीचर ने पकड़ा एक दिन, मेरे को बोलता है मैथ्स किधर है? रुको, पाँच छः पेज घुमाया, ये रहा. फिर बोलते साइंस किधर है? मतलब रुको, और तीन चार पेज घुमाया, ये रहा. बोलते सब है इसके अंदर, मतलब एवरीथिंग वन बुक. यस और नो? अब पढ़ी भी उतनी थी फिर, बट थे तो आर्टिस्ट ना. यस और नो? गाइस, बुक कीपिंग भी एक आर्ट है, और हम लोग इसी आर्ट को मास्टर करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज डेफिनेटली यू ऑल नो आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हो. चार्टर्ड व्हाट? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब हम किसका आर्ट में मास्टरी करने का सीखने वाले हैं? अकाउंट्स. दैट कम्स फर्स्ट थिंग, बिकॉज अभी हमें डेफिनेटली रोड नहीं खोदना है, या हमें कल चंद्रयान की तरह ऊपर नहीं पहुंचना है. येस और नो? या तो फिर हमें ड्राइंग में आर्टिस्ट नहीं बनना है, क्राफ्ट में आर्टिस्ट नहीं बनना है. डू यू अग्री विद दैट वन? हमें किस में आर्टिस्ट बनना है? अब ये आर्ट वर्ड ही पहले तो लोग नहीं समझते. लोगों को लगता है आर्ट का मतलब वो ड्राइंग एंड क्राफ्ट एंड डांस एंड दैट इज ओनली द आर्ट. डू यू अग्री विद दैट? नहीं, आर्ट क्या होता है फिर? व्हाट इज आर्ट? कोई भी चीज जो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से करें ना, उसे हम क्या कहते हैं? आर्ट.
येस और नो? आज सुबह जल्दी उठ गया था 5 बजे, अब मॉम उठती है 7 o'clock, सो आई गॉट अप एट 7:05। अब चाय पीना था, थोड़ी कोशिश की आज मैंने चाय बनाने की। अब चाय बना रही थी तो पहले पानी डाला, फिर दूध डाला, फिर शक्कर डाला, नहीं शक्कर नहीं डाला था, फिर चाय पत्ती डाला, फिर ये सब मसाला वसाला सब डाला, फिर क्या रह गया था अंदर, शक्कर डालना रह गया था। अब 4 जन की चाय बना रहा था मैं, अपनी बना रहा था, अपने वाइफ की बना रहा था, मॉम की बना रहा था और डैड की बना रहा था। अब शक्कर कितना डालूँ नहीं पता था, वो गूगल में एक वीडियो भी देख रहा था, गूगल में नहीं यूट्यूब पे, चाय बनाने वाला, तो वो खतरनाक था, वो शेफ भी था ना, तो बोलता है शक्कर जैसी आपको चाहिए वैसी। अरे तू बोल ना भाई कितना डालना है, बिकॉज बाद में सब बोल रहा था वो, इतना मसाला डालो, इतना चाय पत्ती डालो, इतना दूध डालो, इतना पानी डालो, वो सब बोला। शक्कर में क्या बोला, बोलते स्वाद अनुसार। अभी क्लियर विद दैट वन? अभी थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस तो है मेरे को, मूवीज देखे मैंने। अब मूवीज में होता ना किसी को चाय बनाने जाते तो क्या पूछते, हाउ मेनी स्पून ऑफ शुगर, आंसर क्या आता उधर से, 2 स्पून, 3 स्पून। मैंने लगाया एवरेज, 2 जन का 2 स्पून और 2 जन का 3 स्पून, 3 और 3 हो गए 6, 2 और 2 हो गए 4, 6 और 4 हो गए 10, मैंने 10 स्पून शक्कर डाल दी मस्त वाली, क्या चाय बनी थी। यस और नो? तो मेरे को आज सुबह एक्चुअली रियलाइज हुआ कि माई मॉम इज अ ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, माई मॉम इज अ ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट। क्या खाना बनाती है यार, मतलब मैं तो चाय बना के ये काम कर लिया आज, किसी दिन मैं रोटी सब्जी बनाने जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। डू यू ऑल अग्री डेट योर मॉम इज एन आर्टिस्ट? यस नो? आज जाके बोलना फिर उनको कि भाई तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बिकॉज हम कमीने लोग हैं सारे। किसी दिन मम्मी से थोड़ा नमक ज़्यादा हो जाए, क्या बना रहे हो यार तुम, ये नमक ज़्यादा था, मज़ा नहीं आ रहा है खाने के, चलो कुछ और बनाओ। मेरे को आज ही रियलाइज़ हुआ ये सब तो अपने को करना। यस और नो? बिकॉज आज मैंने वो वाली चाय जब मॉम को पिलाई ना सुबह, तो मॉम बोलती है अरे शक्कर थोड़ी ज़्यादा हो गई, रहा लो कितना कूलली बोला आराम से, मैं तो अगर ये जगह पे होता तो मैंने चाय पे फेंक डाली होती, क्या ये चाहिए, इज ही एन आर्टिस्ट? यस नो? रास्ते में जो सैंडविच बना रहा है इज ही एन आर्टिस्ट? पक्का देखा है कभी उसको सैंडविच बनाते हुए, जब यही कट्स द वेजिटेबल खट 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 खट, अपने सैंडविच बनाने चले तो नहीं हो तो जाएगा, मैं तो ककड़ी लेता फिर ऐसे कितना इतना, मतलब ऐसे एक के पीस एकदम मेजरमेंट के साथ कट होता है अपना, तभी तक तो उसका सैंडविच बना के लोग खा के भी चले गए होते हैं। अपने को भी ऐसे ही आर्टिस्ट बनना है, किस में बनना है पर आर्टिस्ट अपने को, अकाउंट्स में। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड व्हाट? अच्छा व्हाट इज साइंस? यस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ओके, इट इज लॉजिक इन टू इट, येस इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, इट इज लॉजिक एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द क्लास, बिकॉज मैं साइंस बोलता है ना तो आंसर क्या आता है मालूम है, अभी तक जितने भी लोगों को पूछा, आज सुबह फाउंडेशन वाले को पूछा व्हाट इज साइंस, फिजिक्स, तो मिला केमिस्ट्री, हाँ सर वो भी, मतलब सर वो भी, अपने को खाली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मतलब क्या, साइंस। इज मैथ्स अ साइंस? इज इंग्लिश अ साइंस? इज हिस्ट्री अ साइंस? एनीथिंग दैट यू स्टडी ना लॉजिकली, बेस्ड ऑन लॉजिक्स, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बिकम्स वॉट? एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ साइंस इज, साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब जहां से भी नॉलेज मिल रहा है वो हमारे लिए क्या है। हाँ बट ये आपके नेचुरल साइंस जैसा साइंस नहीं है, नेचुरल साइंस ना एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट मतलब क्या, कि जो बोला है वही होगा, है ना, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या क्या कहता है वो लॉ, कि हम कुछ फेंकेंगे तो नीचे जाएगा। मैं तो ट्राई भी किया, मैं दुबई गया था लास्ट ईयर घूमने, वो बुर्ज खलीफा मालूम है तुमको, लंबा बिल्डिंग, मैं सोचा उधर से कुछ फेंकेगा तो ऊपर जाएगा, फिर फेंका गया नहीं ऊपर वो भी नीचे ही गया, सो दैट इज साइंस। मेरे को इससे याद आता है बहुत अच्छा एक केस था, हमारे स्कूल में था, स्कूल में वो 10th स्टैंडर्ड में, पता है प्रैक्टिकल्स होते हैं, होते थे तुम्हारे स्कूल में? हमारे स्कूल की तो कहानी ऐसी है, गवर्नमेंट स्कूल में था मैं, तो पूरे साल ना हम लेबोरेटरी ढूंढ रहे थे कि लेबोरेटरी किधर है, बिकॉज किसी ने एक बोला था कि लास्ट एग्जामिनेशन फाइनल के पहले प्रैक्टिकल्स होंगे 20 मार्क के, अपने को 20 मार्क मिलेंगे उस पर,
हम तो लैब ढूंढ रहे थे पूरे साल, बाद में मालूम पड़ा कि हम जो क्लास में थे वही लैब था। अब प्रैक्टिकल हुए, अब प्रैक्टिकल हुए तो हमने तो साल में पूरे साल में कोई एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स किए ही नहीं है, तो हमारी जो टीचर थी ना उसने सब सेट करके दिया था कि बेटा ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, और एक्सटर्नल आएगा, तो एक्सटर्नल आएगा तो जब वो पूछेगा तो ये आंसर देने का। अब मेरे पास आया था एनर्जी क्रिएट करने का एक्सपेरिमेंट, तो ऐसे मैडम ने दो वायर दे दिए थे मेरे को, बोलती है दो वायर है, जब वो आएगा कुछ भी पूछेगा तो दो वायर ज्वाइन करने का, उधर तेरे को बल्ब दिख रहा है राहुल वो जलेगा, मतलब ये नेगेटिव था और ये, अब मेरे को तभी कुछ नहीं मालूम था ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली कहानी क्या होती है, बराबर है कि नहीं। मेरे को तो मालूम था दो वायर है, अपने को क्या करने का है और क्या जलने वाला है। अब मेरा फ्रेंड आया मेरे पास, बोलते राहुल क्या है, मतलब इसको ज्वाइन करेंगे तो बल्ब जलेगा, बोलते कर, मतलब नहीं नहीं अभी नहीं पागल, एक ही बार जलने वाला होएगा तो। सीरियसली आई डिड नॉट डू इट टिल द एक्सटर्नल एग्जामिनर केम इन द क्लास। वो आया बोलते राहुल व्हाट इज इट, आई सेड सी दिस इज अ पॉजिटिव एनर्जी, दिस इज नेगेटिव, वो भी बाय हार्टेड सब, अपने को पता कुछ नहीं है लाइफ में, और सर आई विल ज्वाइन दिस एंड देयर विल बी एनर्जी, बोलता है श्योर राहुल, तो अपन ने ज्वाइन किया और बल्ब जलाओ हाश। उसके बाद तो धमाल चालू हुई, वो गया ना, ए इधर आ देख बल्ब जल रहा है। सबको बुला के दिखाया बल्ब जल रहा है, पर ये कौन सा साइंस है? नेचुरल। हम जो पढ़ेंगे वो नेचुरल साइंस, हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा साइंस होगा पता है? अस काइंड ऑफ सोशल साइंस। कौन सा साइंस? सोशल साइंस। इट डिपेंड्स अपॉन आर्ट, इट डिपेंड्स अपॉन आर आर्ट, हम कैसे करते हैं। सर अकाउंट्स भी बदल सकते हैं? हाँ अकाउंट्स भी बदल सकते हैं, जैसे लोग बनाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टैंडर्ड्स वैंडर्ड्स हम समझाएंगे तभी वही समझना है कि वी कैन हैव टू डिफरेंट आंसर्स डिपेंडिंग अपॉन टू डिफरेंट पीपल व्हाट दे आर फॉलोइंग। एक बोलेगा मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, एक बोलेगा मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, तो आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ पे चॉइस आपके पास होगा कि हमें क्या करना है, और हमें बेस्ट आंसर के लिए बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। आर वी क्लियर विद दैट वन? ये साइंस होगा। आज एक सोशल साइंस का एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं तुमको बोलता हूँ, जैसे क्लास खत्म हो जाए ना फिर नीचे जाना, किसी एक बंदे को ढूंढो, उसको जोर से थप्पड़ मारो, क्या होगा उसका रिएक्शन? वो भी मारेगा सामने? श्योर हो? पक्का? वो गाली देगा? ऑपोजिट रिएक्शन, ढूंढ के मारो ना किसी को थप्पड़, मेरे जैसे को मारोगे ना, मारना नहीं पर मेरे जैसे मारोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा क्यों मारा, बिकॉज मेरा फर्स्ट रिएक्शन हो ही नहीं सकता कि मैं किसी और को मारूं। हाइट देखो मेरी, आर वी क्लियर विद दैट वन? बिल्डिंग में बच्चे वो भी नहीं डरते मेरे से, माई बेस्ट फ्रेंड्स इन माई बिल्डिंग आर ऑल किड्स, उनके साथ खेलता रहता हूँ। कल एक खतरनाक बंदा आया था, टोपी में पंखा डाल के आया था, बोलता नया कैप लिया, मतलब क्या होता है, बोलता है हवा आती है इधर से, मतलब कैसे, तो उधर पंखा चालू किया उसने स्विच से, ऐसे तो फ्रेंड्स है मेरे। अब तू मुझे अगर थप्पड़ मारोगे तो मैं क्या ही गाली दूंगा यार तेरे को, मैं तेरे को पूछूंगा बेटा क्या हो गया क्यों मारा। अच्छा मेरे से भी एक और बदला दुबला हुआ इंसान ले, उसको मार वो भाग जाएगा। हाँ डेफिनेटली हट्टे कट्टे वाले को मत मारना, तो वो मारेगा नहीं, वो धोपट डालेगा तेरे को। बट कैन आई से आंसर्स कैन बी डिफरेंट, हो सकते कि नहीं हो सकते? ये कौन सा साइंस है? सोशल। और हमारा अकाउंट्स भी साइंस है पर नेचुरल साइंस नहीं है, कौन सा साइंस है? सो डू यू ऑल अग्री वन थिंग दैट अकाउंट्स इज आर्ट्स? डू यू ऑल अग्री दैट अकाउंट्स इज साइंस? आर्ट और साइंस किसका? रिकॉर्ड करने का। क्या रिकॉर्ड करना है? बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है भाई? रिकॉर्ड ये नहीं करना है सुबह उठ के मैंने ब्रश किया था, नहीं रिकॉर्ड करना है। आज मैं गाना गा रहा था, नहीं रिकॉर्ड करना है। आज आप क्लास में आए थे, रिकॉर्ड? मैं आज क्लास में आया हूँ, रिकॉर्ड करूंगा, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? आप स्टडीज कर रहे हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पे जितना भी बोल रहा हूँ उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मुझे? मैं 3 to 6 लेक्चर्स लूंगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई स्टडी सर्कल वाले पैसा देंगे मेरे को, डू यू अग्री विद दैट? विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, इज ही डूइंग बिजनेस? आप भी खेल लेते होंगे कभी कभी क्रिकेट? हाँ ना। गाना भी गा लेते होंगे आप, पर पैसा देता है कोई? गाना रास्ते पे गाओ दे भी दे शायद कोई। डू यू अग्री विद दैट? बिजनेस समझ रहे हो? क्या करना है? रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड करना है? बिजनेस। अच्छा बिजनेस में क्या होता है सर? बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शन। बिजनेस में क्या होते हैं?
मैं आज सारे वर्ड्स का मीनिंग समझाऊंगा आपको. एक्चुअली आप लोग ने समझा, बट आई वॉन्ट टू टीच यू वे आई वॉन्ट यू टू डू इट नाउ. बिजनेस में क्या होता है सर? ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन में होता है लेना और देना. ट्रांजेक्शन का रियल वर्ड है एक्सचेंज. क्या एक्सचेंज करेंगे वो बाद में देखेंगे, बट क्या करना है? एक्सचेंज. ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी विदाउट एन एक्सचेंज. बिजनेस कैन नॉट बी विदाउट एन एक्सचेंज. जैसे मैंने कहा विराट कोहली इज ही डूइंग अ बिजनेस. क्या खेलता है वो? क्या मिलता है उसके बदले में? किसी दिन विराट कोहली को कोई बोले चल अब फ्री में खेल, तो नहीं खेलेगा वो. यस और नो? कल मेरे को कोई बोल रहा था तेरे को पता है राहुल शाहरुख खान ना शादी में डांस करने का भी पैसा लेता है. क्यों नहीं लेगा बता? अगर वो शाहरुख खान अगर अपने शादी में आ जाए तो वो पैसा लेगा अपने से. क्यों नहीं लेगा? बिकॉज ही इज एन आर्टिस्ट. यस और नो? तो अगर वो हमारे शादी में आएगा तो वो कर क्या रहा है? कैन आई सी इज गिविंग सर्विसेज और हम उसे क्या देंगे? मनी. सो ट्रांजेक्शन होना ही है. ट्रांजेक्शन मतलब क्या होना है? एक्सचेंज. फिर से एक बार बुक कीपिंग क्या है? साइंस. उसके बाद आर्ट्स. क्यों? रिकॉर्ड करना है. क्या रिकॉर्ड करना है? बिजनेस के क्या करने है? अच्छा भाई सिस्टमेटिकली करना है, रफ बुक नहीं बनानी है. अगर कल आपने मेरा ग्रुप में मैसेज पढ़ा तो मैंने क्लियरली बोला था एक नोटबुक लेके आना भाई, रफ बुक नहीं चलेगी. अब आज जो नोटबुक लेके आया वो मेरे क्लास में एवरी डे दिखनी चाहिए और वही बुक में हम लोग लिखेंगे. बिकॉज आज से सिस्टम चालू, पहले दिन से सिस्टम चालू. डू यू अग्री विद दैट वन? एक दिन ये बुक में, एक दिन वो बुक में, एक दिन रफ बुक में, ऐसा काम. अच्छा सिस्टमैटिकली करना. और प्लस क्या करना है? एवरी वीक आप मुझे देखोगे. आइदर आई हैव वन क्लास और टू क्लासेस विद यू. ऐसा नहीं आ जाऊंगा एक महीने के बाद आऊंगा, ऐसा नहीं. रेगुलरली करना है कि नहीं करना है भाई? सो सिस्टमैटिकली करना है, रेगुलरली करना है. और कहाँ करना है? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना है. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बुक कीपिंग? सो व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस के ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली रेगुलरली इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. डू यू अग्री विद दैट? अब एक वर्ड का थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं वापस. एंड ये वर्ड कौन सा है भाई? रिकॉर्डिंग. ठीक है ना? बुक कीपिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग. बुक कीपिंग से के बाद एक वर्ड आता है जिसका नाम है अकाउंटेंसी. कौन सा वर्ड है? सो व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, और आइडेंटिफाइंग के बाद ले लेते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद ले लेते हैं क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग के बाद ले लेते हैं समराइजिंग, समराइजिंग के बाद ले लेते हैं एनालाइजिंग के बाद ले लेते हैं इंटरप्रेटिंग के बाद ले लेते हैं कम्युनिकेटिंग. कितने वर्ड हो गए इसके अंदर अभी आप बोलो? सात. यहाँ पे भी पहला वर्ड कौन सा? आइडेंटिफाई करना. वापस इसको डाल देते हैं अपन रेड कलर. अरे ये वाला रेड कलर थोड़ी है, तो खतरनाक है. नो कलर. अपने को डालना था आइडेंटिफाइंग को ये वाला रेड कलर. ठीक है ना? सेकेंड वन रिकॉर्डिंग के बाद, क्लासिफाइंग के बाद, समराइजिंग के बाद, एनालाइजिंग लिख देते हैं एनालिसिस की जगह पे एनालाइजिंग. ठीक है ना? स्पेलिंग गलत है ना, तो वर्ड वाले का थोड़ा साथ ले लेने का. तुम लोग को पता चलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी इंग्लिश बहुत खतरनाक है. मैंने एक बार टेस्ट देने की कोशिश की थी खाली इंग्लिश की, डी ग्रेड आया था. मम्मी ने बोला डी ग्रेड क्यों आया, तो मैंने उसको समझा ही नहीं मैंने लिखा क्या था. कितने वर्ड फिर से? पहला कौन सा? आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासिफाई. आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासिफाई बुक कीपिंग में भी था और अकाउंटेंसी में भी है. अब लोगों को लगता है बुक कीपिंग खत्म हो जाता है फिर अकाउंटेंसी चालू होता है. नहीं, अकाउंटेंसी का एक छोटे से पार्ट को हम बुक कीपिंग भी बोलते थे. अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स बुक कीपिंग, बट बुक कीपिंग डज नॉट इन्वॉल्व अकाउंटिंग. अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊं ना, मेरे पास तो बहुत सारे टूल्स है ना मस्त वाले एकदम. देखो मैं तुमको ये बता सकता हूं भाई, ये है बुक कीपिंग,
और भाई ये है अकाउंटिंग, समझा कि नहीं समझा? और इसको देखो, अपन थोड़ा सेंड बैक करते ना तो अपने को पता चलेगा। अभी समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? अकाउंटिंग के अंदर कौन है? ऐसा नहीं बुक कीपिंग खत्म हो जाएगा बाद में अकाउंटिंग चालू होएगा, नहीं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो बुक कीपिंग इज ओनली थ्री थिंग्स। व्हाट इज थ्री थिंग्स? आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासिफाई और बहुत हद तक थोड़ा सा समराइज। बट अकाउंटिंग उससे भी आगे बढ़ेगा। तो हमारा अभी परसेप्शन खाली बुक कीपिंग तक रहने का नहीं, अभी हमारा टारगेट क्या है, कहाँ तक जाना है? अकाउंटेंसी तक जाना है। मतलब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई भी करना है, रिकॉर्ड भी करना है, क्लासिफाई भी करना है, समराइज भी करना है, एनालाइज भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है, कम्युनिकेट भी करना है। सर क्या आइडेंटिफाई करना है? अरे भाई ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने चाहिए कि जो रिकॉर्ड करने हैं। सारे के सारे ट्रांजैक्शन थोड़ी रिकॉर्ड करने हैं इस दुनिया में। कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। अब बंदा दिन में पूरे दिन तो बिजनेस नहीं करता होगा ना, सुबह उठ के तो बिजनेस नहीं कर रहा ना, ब्रश कर रहा है, तो वो रिकॉर्ड करना है क्या हमें? तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है क्या रिकॉर्ड करना है और क्या रिकॉर्ड, दैट इज आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कर लिया फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे? क्लासीफाई। वो तुमको याद है जैसे सर बोल रहे थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, दैट इज क्लासीफाई। क्लासीफाई करने के बाद क्या करेंगे? समराइज। भाई यही तो था तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स, है ना? फाइनल अकाउंट्स मतलब इफ यू रिमेंबर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, याद आ रहा है ये सब कुछ? ये कहाँ आ जाता है? समराइजिंग में। ये बुक कीपिंग में नहीं आता है, ये अकाउंटिंग में आता है। सर समराइज हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? बेटा एनालाइज करोगे। क्या करोगे सर? एनालाइज मतलब क्या होता है भाई? फाइनल अकाउंट्स बना लिया फिर उसे देखेंगे कि भाई इज इट गुड और इज इट नॉट गुड और बैड इन टर्म्स ऑफ टैलिंग। हाँ, बिकॉज आपके लिए तो अभी तक का टास्क क्या था पता है? टैली। पहला क्वेश्चन क्या पूछा होगा 12th स्टैंडर्ड के बाद, बाहर आने के बाद, आजू बाजू में? टैली हुआ। और क्या आंसर दिया उसने? हुआ होगा उसका, पर फिर भी ना ही बोलेगा वो, अपना तो हुआ ही नहीं भाई, शायद तेरा हो गया हो। येस और नो? बट अभी हमारा टास्क उससे बहुत ऊपर है, बहुत। टैली करना अपना टास्क नहीं है, टैली तो हो ही जाएगा, इट इज़ गॉन, फोरगॉन कंक्लूजन। बाद में क्या करना पड़ेगा? एनालाइज। एनालाइज करना है मतलब बैलेंस शीट में सारी चीज़ें, नहीं, इज इट राइट, मतलब इज इट ऑन द राइट मोमेंट, इज इट ऑन द राइट परफेक्ट परसेप्शन, वहीं पे है कि नहीं है। अपने अवार्ड्स होते तूने सुना है? आईफा अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, ये तुमने सुना? हीरो हीरोइन को अवार्ड मिलता है, बराबर कि नहीं? वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अवार्ड्स होते हैं। बेस्ट बैलेंस शीट, ऐसा अवार्ड सुना? बेस्ट बैलेंस शीट ये होता है। लास्ट ईयर बेस्ट बैलेंस शीट का अवार्ड मिला है रिलायंस को। अब किसी को बोला बेस्ट बैलेंस शीट मतलब लोगों को लगा सर क्या स्केल अलग अलग कलर वलर यूज किया था क्या? नहीं, उसमें हम स्टॉक लिखते हैं, फिक्स असेट लिखते हैं, तो वहाँ पे एनालिसिस ये होती है कि इतना स्टॉक बराबर है कि नहीं, स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए था, स्टॉक कम होना चाहिए था। येस और नो? कभी कभी शॉप में जाते हैं वो कम चीज़ें दिखे तो भी प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखे तो भी प्रॉब्लम है। यू नो यू नीड टू हैव दैट अपॉर्चून मोमेंट, इतना दिखना चाहिए भाई, फटाफट अपना वहाँ पे बाय सेल हो जाए। अभी क्लियर विद दैट पॉइंट? तो ये सारी चीज़ों की एनालिसिस होगी। एनालाइज करने के बाद क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मतलब हमें उसका डेरिवेशन निकालना पड़ेगा कि क्या था, और लास्ट में क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट। अकाउंट्स एक लैंग्वेज है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस अपने शेयर होल्डर से बातें कैसे करता है, या बिजनेस अपने लोगों से बातें कैसे करता है? थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब रिलायंस की बात कर रहा था, हु आर द ओनर्स ऑफ रिलायंस? मुकेश अंबानी। अपने को कुछ पूछना है तो मुकेश अंबानी को फोन कर सकते हैं क्या अपन? क्या कोई कांटेक्ट तुम्हारा मुकेश अंबानी से? मेरे को बात करनी है, वो जियो का लाइन नहीं चल रहा मेरे घर पे आज। कैन यू टॉक टू मुकेश अंबानी? हाउ डज मुकेश अंबानी टॉक टू यू, और हाउ डज रिलायंस टॉक टू यू? थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थ्रू वॉट? एक लैंग्वेज है, अकाउंट्स एक लैंग्वेज है जिससे बिजनेस अपने कनेक्टेड लोगों से बातें करता है, और वो बातें करने का जरिया ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस कंपनी के बारे में, कहाँ मिलेगी हमें उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? इज दिस क्लियर? पक्का?
सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? बुक कीपिंग क्लियर है? बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग क्लियर है? हाउ मेनी स्टेप्स इन अकाउंटिंग? पहला आइडेंटिफाई, के बाद रिकॉर्ड, के बाद के बाद के बाद उसके बाद एंड लास्ट वन. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? देन सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो मुझे चाहिए कि तुम लोग मेरी तरह भी याद रखो, शायद तुम लोगों को याद होंगे, बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि तुम लोग को ये सब पता है कि नहीं पता है. नाउ डू यू नो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? बाय और सेल करते हैं प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज बिजनेस. आजकल बिजनेस बहुत खतरनाक हो गया, वहाँ पे प्रोडक्ट का बाय और सेल शायद ना भी हो तो भी वो बिजनेस है. हाँ, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाट यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? सिंपल, एनीथिंग दैट डील्स विद मनी. सो फॉर मी बिजनेस इज एनीथिंग डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट. इन ऑर्डर टू डन, आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? थोड़ा सा एक वर्ड ऐड कर दूंगा, प्रोवाइडेड इट इज लीगल. वरना कल जाके बोलोगे स्मगलिंग भी प्रॉफिट के लिए तो करते हैं, पर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे उसकी. ठीक है, बाद में मत बोलना कि राहुल सर पढ़ा रहे, हमको तो सब अकाउंटिंग करने को आता है. हम लोग को स्मगलिंग का भी अकाउंटिंग करती हूँ मैं, तो बोलो तुमको चाहिए क्या? उसकी अकाउंटिंग भी होती है, गन से होती होगी, कुछ तो होता होगा, बॉम्ब से होता होगा, है ना? अपने को ऐसा अकाउंटिंग नहीं करने का है भाई. अपने को कौन सा अकाउंटिंग करने का है? लीगल वाला. उसमें अकाउंटिंग होता होगा, चल इसको उठा ले. हाँ, ये बाइंग एंड सेलिंग बोलते, इसको उठा, चल उधर रख दे, उसको उठा उधर रख दे. सो एनीथिंग डन इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट इज नोन एज वॉट? बिजनेस. एनीथिंग, दैट्स व्हाट आई सेड, कि आज के बिजनेस बहुत मॉडर्न हो गए. पहले के बिजनेस बहुत सिंपल थे, बाय सेल था, पर आज के बिजनेस बहुत ही मॉडर्न हो गए. अभी एग्जैक्टली क्लियर? शायद कोई बिजनेस में बाय सेल इन्वॉल्व हो, कोई सर्विसेज इन्वॉल्व हो. इज जोमैटो अ बिजनेस? इज स्विगी अ बिजनेस? यस. They are not buying, they are not selling. They are providing services. एक platform provide कर दिया, होटल वाला बेचता है, हम लोग खरीदते हैं, वो लोग बीच में प्रॉफिट कमा रहे. पहले तो एडवर्टाइजमेंट दिया था, बोलता है एक गुलाब जामुन भी मंगा लो, हम फ्री बेच देंगे. अब मालूम पड़ा एक गुलाब जामुन मंगाता हूँ तो दुकानदार बोलता है गुलाब जामुन 30 रुपये का, जोमेटो वाला बोलता है 50 रुपये का डिलीवरी. गुलाब जामुन आया 80 रुपीज़ में, खाने का भी मन नहीं करे फिर, पर फिर भी मंगा लेता हूँ कभी कभी. ठीक है, पक्का? डू यू ऑल नो व्हाट इज बिजनेस? चलो, बिजनेस के बाद तुम लोग को सेकंड चीज पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रांजैक्शन? हाँ ना, टेल मी व्हाट इज ट्रांजैक्शन? एक्सचेंज ऑफ, वंडरफुल वंडरफुल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेस और असेट्स. Exchange of goods or services or assets on cash or credit. Check मतलब cash आ गया, बराबर है? बहुत अच्छी. इसीलिए ये सारी चीज़ों को clear करने के लिए हम एक दो sessions ऐसे खेलेंगे, एक दो नहीं तीन sessions हो जाएंगे before I actually touch the first chapter, ताकि अपना basics clear हो जाए. So cash and check का मतलब cash transaction. Are we exactly clear with that? And then we can have something which is known as credit transaction also. So exchange of goods or services or assets on cash or credit is known as what? Transaction. Or transaction ke baad do definition of transaction aate, but likh ke main time pass nahi karunga. There can be something which is known as cash transaction and there can be something which is known as credit transaction. So what is cash transaction? Exchange of goods or services or assets on cash. What is credit transaction? Exchange of goods or services or assets on credit. Perfect hai? अभी ये डेफिनेशन के अंदर तीन वर्ड्स है, ट्रांजैक्शन के अंदर तीन वर्ड्स है. कौन से तीन वर्ड्स है? पहला वर्ड है गुड्स, दूसरा वर्ड है सर्विसेज और तीसरा वर्ड है असेट्स. सर्विसेज तो क्या है वो आप सबको पता है, मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं, बट मुझे ये डिस्टिंग्विश कराना है आज से पहले दिन से अपने क्लास में क्लियर होना चाहिए गुड्स क्या है, असेट्स क्या है, बिकॉज यहीं पर हम मिस्टेक्स करते हैं और यहीं पर हमें अकाउंट्स नहीं आता है. पहला वर्ड कौन सा और दूसरा वर्ड कौन सा? व्हाट आर गुड्स? नाम गलत. बिजनेस
वंडरफुल, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. अब अगर डिफाइन करने जाए अच्छी तरह से, तो गुड्स आर कमोडिटीज, डजेंट मैटर इट स्मॉल और बिग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटे या वो बड़े, बट दे आर कमोडिटीज इन विच वी डील रेगुलरली और विच वी बाय और मैन्युफैक्चर टू सेल. गुड्स ऐसी चीज है जो हम खरीदते हैं, या तो हम बनाते हैं किसके लिए, बेचने के लिए, और असेट्स ऐसी चीज है जो हम खरीदते हैं या बनाते हैं पर बेचने के लिए नहीं, उसे बिजनेस में यूज करने के लिए. आर वी क्लियर विद दैट वन? और पहले दिन से ये दोनों चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, गुड्स एंड व्हाट, असेट्स. ये डिफरेंशिएट करना क्यों जरूरी है? बिकॉज गुड्स से ट्रेड करोगे ना तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, असेट ट्रेड करने के लिए तो होता ही नहीं है. अच्छा, सेकेंड, फाइनल अकाउंट्स थोड़ा बहुत तो आता है कि नहीं तुम लोग को? फाइनल अकाउंट्स में पहला अकाउंट कौन सा होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे फर्स्ट पे क्या लिखते हो, फर्स्ट लाइन पे? फिर क्या लिखते हो? परचेस का मतलब क्या होता है, सुना है, सोचा है कभी क्या परचेस करना? गुड्स. क्या परचेस करना? असेट खरीदेंगे तो परचेस नहीं बोल सकते उसे. अब यहां पे आ गई हमारी बिजनेस की लैंग्वेज. अब हमारा लेक्चर चालू हो रहा है एंड वी आर गोइंग डीप इनटू इट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? मैंने क्या कहा था, बिजनेस इज अ लैंग्वेज और अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, कहा कि नहीं मैंने तुम लोग को? अब मैं धीरे धीरे तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा. सो मैं कहूंगा गुड्स आर वॉट, कमोडिटीज विच आर परचेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद द इंटेंशन टू सेल. विद इंटेंशन टू सेल. असेट्स आर कमोडिटीज विच आर परचेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर यूज इन बिजनेस. परफेक्ट है, पक्का, एकदम क्लासिक है. गाइज, पांच एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं. पांच एग्जाम्पल, मेरा फेवरेट है एक एग्जाम्पल विच इज नोन एज मिल्कमैन, दूध वाला. दूसरा लेते हैं वेजिटेबल वेंडर. देखा है तुम लोग ने वेजिटेबल वेंडर को? हाँ ना? अच्छा, फिर अपन लेते हैं थर्ड पानीपुरी वाला. शाम को 6 बजे लेक्चर छूटेगा तो बहुत मन करता है मेरे को खाने को ये सब, पानीपुरी, बराबर है. फिर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ फर्नीचर वाला. कौन सा? जो फर्नीचर बना के बेचता है. लास्ट वाले ले लेते, चलो हम अमेजोन. अभी एग्जैक्टली क्लियर कितने एग्जाम्पल? पांच. पहला एग्जाम्पल कौन सा? मिल्कमैन के लिए गुड्स क्या है? मिल्क. असेट्स क्या है? कैन, साइकिल, है ना? कैन, साइकिल, उसके लिए क्या हुआ? असेट्स. अच्छा, अगर दूध वाले ने एक दुकान ओपन करके रखा है तो भाई शॉप, ये क्या हुआ उसके लिए? असेट्स. वेजिटेबल वेंडर के लिए गुड्स क्या है? असेट्स क्या है? उसका शॉप, फिर उसका स्टैंड, फिर वो वेइंग मशीन, वो सब उसके लिए क्या बन गए? असेट्स. पानीपुरी वाले के लिए गुड्स क्या है? पानीपुरी, सेवपुरी, ममरा, आलू, कांदा, है ना, ये सब क्या हुआ उसके लिए? असेट्स क्या हुए? उसका स्टॉल, है ना, उसका स्टॉल, उसका स्टोव, फिर अगर वो सैंडविच वैंडविच बना रहा है तो वो ग्रिलिंग मशीन, ये सब क्या हुआ उसके लिए? असेट्स. फर्नीचर वाले के लिए गुड्स क्या है? फर्नीचर मतलब अगर फर्नीचर बना रहा है तो वुड, सनमाइका, फेविकॉल, ये सब उसके लिए क्या हुए? गुड्स. फर्नीचर क्या हुआ उसके लिए? गुड्स. असेट्स क्या हुआ उसके लिए? मशीन जिससे वो फर्नीचर बना रहा है, शॉप जहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहा है, वो शॉप के अंदर एसी लगा के रखा है तो एसी, ये सब उसके लिए क्या हुए? असेट्स. अमेजोन के लिए गुड्स क्या है? ऑल द कमोडिटीज जो अमेजोन बनाते हैं. डू यू अग्री विद दैट वन? अमेजोन के लिए असेट्स क्या है? वेयरहाउस इज एन असेट. और एक सबसे बड़ा असेट चाहिए मेरे को और, द वेबसाइट इटसेल्फ. वो वेबसाइट उसके लिए क्या है? असेट. आजकल नया जनरेशन निकला है, नए जनरेशन का बिजनेस इज असेट लाइट बिजनेस. असेट लाइट बिजनेस. असेट लाइट बिजनेस मतलब ऐसे बिजनेसेस ढूंढो जहां पे असेट्स ज्यादा खरीदने ही नहीं पड़े.
बिकॉज जितने ज़्यादा असेट खरीदने पड़ते हैं ना उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस लगती है। हावे वो बिजनेस जहाँ पे असेट ही ना हो, सबसे बेस्ट बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड ये ओला उबर क्या है, बिजनेस क्या है, असेट क्या है, उबर का असेट क्या है, किधर है उबर का शॉप, ऑफिस किधर है उबर का, नहीं पता है ही नहीं, खाली एक एप्लीकेशन तो है, वो एप्लीकेशन उसके लिए क्या बना, असेट। उबर और ओला है ना, उसके पहले अगर तुम लोग को याद हो तो वो आए थे कूल कैब्स, देखा था तुम लोग, देखा ही नहीं वो कूल कैब्स। अच्छा वो तुम लोग वो जनरेशन से ही नहीं हो ना, हम लोग तो पहले वो काली पीली वाली जनरेशन से है, वो अभी भी है अपने पास, बराबर है कि नहीं। वो उसको पकड़ते थे पहले, उसको बोलते थे चल रहा है क्या दादर, वो ना बोलता था, फिर हम बोलते दुबई जाने का तेरे को, चल दादर जाने का मेरे को, बैठ जाते थे फिर। अभी क्लियर विद दैट पॉइंट? आज भी हम लोग रिक्शा वाले को बोलते हैं वो ना ही बोलता है, कभी भी हाँ नहीं बोलता लाइफ में। फिर उसके बाद एक नया चीज़ आया कूल कैब्स, ब्लू कलर की मेरू कैब्स थी, कभी कभी दिखता है, हाँ मेरू कैब्स। उन्होंने एक नया आइडिया निकाला, बोलता है फ़ोन नंबर लो और ये फ़ोन नंबर पे फ़ोन करो। क्या बात कर रहा है, उसको फ़ोन करेंगे तो वो घर के नीचे आके रुके। अरे हाँ यार, पहले तो ऐसा था ही नहीं ना, जस्ट इमेजिन हम लोग कौन से दुनिया से है। अभी हम तो उसको मस्त फ़ोन करते थे, किधर है नीचे, किधर जाने का है, बैंड्रा, हाँ एंड यूज टू कम। और वो भी एसी वाली कैब्स, ब्लू कलर की एकदम नीट, वो काली पीली तो पता नहीं कौन सा कपड़ा लगा के रखा होता, स्मेल आता है उसमें, फिर अपने को डीवो मारना पड़ता है, येस और नो? वो कूल कैब्स ना एकदम सुपर फ्लॉप शो, चालू होते ही एक साल में बंद हो गया बिजनेस। बिकॉज कूल कैब्स कैसे चलाते थे, देयर इज अ कंपनी मेरू करके, वो लोग सारे व्हीकल्स खरीदते थे, ड्राइवर हायर करते थे, और फिर उन्होंने एक जगह बनाई थी, ऑफिस बनाई थी, जहाँ पे लोग फ़ोन करके ये सब कनेक्शंस निकालते थे। और एक साल के बाद बीच में क्या आ गया, ओला एंड उबर, कुछ नहीं ना, एप्लीकेशन है ना खाली। कौन किसको भिड़ा दिया, ड्राइवर को भिड़ा दिया, किसके साथ, कस्टमर के साथ। अब कस्टमर जाके क्या ढूंढ रहा है कि मेरे को कैब चाहिए, ड्राइवर ढूंढता, अच्छा तुमको कैब चाहिए, मैं फ्री हूँ, तू आ जा, अपने दोनों मिल गए। और वो लोग ने खाली क्या बनाया, एक एप्लीकेशन, दे आर नोन एज असेट लाइट कंपनीज, उन लोग के असेट्स कम होते हैं, समझा? धीरे धीरे नॉलेज जाएगा, बट आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पक्का एकदम? अब तुम लोग मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देने का, हाँ एकदम बढ़िया वाला आंसर देने का। हम किसकी बात कर रहे हैं, मिल्कमैन की बात कर रहे हैं। क्या बना बेचता है वो, तो मिल्कमैन धंधा चालू कर रहा है, धंधा मतलब बिजनेस है ना। अब वो बिजनेस चालू कर रहा है, तो उसने 2000 रुपये का मिल्क खरीदा, क्या खरीदा, 2000 रुपये का। अच्छा फिर भाई ने 5000 रुपये की साइकिल खरीदी, क्या खरीदा, अच्छा। और उसके बाद और क्या चाहिए मिल्कमैन को, कैन भी तो चाहिए ना, कैन, 1000 रुपये का क्या खरीदा उसने, कैन। आई ऑल अब बेल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन पूछू, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ मिल्कमैन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ मिल्कमैन, आंसर आप दोगे मुझे, एक आंसर आ रहा है मेरे को 2000, एक आंसर आ रहा है मेरे को 6000। या तो आपके हिंदी लैंग्वेज में पूछूं तो मिल्कमैन का परचेज कितना था, 6000। सो आई रोट टू आंसर्स, सीपीटी है, चलो चार चार आंसर आना चाहिए, चौथा आंसर अपन बना लेंगे, ऑल ऑफ द अबव, नहीं नन ऑफ द अबव। चलो मैडम क्या लग रहा है आपको, 2000, 2000, यस सर, 2000, आंसर इज 2000, आंसर इज 2000। वो मुझे क्या है वो मुझे नहीं पता है। सो मेरे को कोई 2000 बोलता था, कोई 6000 बोलता था, मैं एक और आंसर डाल देता हूँ 8000। और जैसे मैंने बोला चौथा ऑप्शन बना देते हैं, नन ऑफ द अबव, तो आंसर इज 2000। अब ये लैंग्वेज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से अलग है, वो मिल्क खरीदेगा तो ही विल से परचेज, पर वो साइकिल खरीदेगा तो ही विल नॉट से परचेज, ही विल से साइकिल खरीदा। अगर वो कैन खरीदेगा तो ही विल नॉट से परचेज, वो क्या बोलेगा, मैंने कैन खरीदा। तो ये जो गुड्स है ना बेटा, गुड्स, गुड्स से कनेक्शन में हमारे पास है चार वर्ड्स, कितने वर्ड्स, चार वर्ड्स, किसके कनेक्शन में,
सिर्फ गुड्स के कनेक्शन में। सर कौन से चार वर्ड? पहला वर्ड परचेज, दूसरा वर्ड परचेज रिटर्न, तीसरा वर्ड सेल्स और चौथा वर्ड सेल्स रिटर्न। और अब अकाउंट्स को फील करना चालू करो आज मेरे साथ। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट लाइन ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड लाइन ना दैट वॉज ओनली परचेज ऑफ मिल्क। क्रेडिट साइड पे सेल्स, दैट वॉज ओनली सेल ऑफ मिल्क। मिल्कमैन का बिजनेस क्या था? मिल्क खरीदना, मिल्क बेचना। तो मिल्क खरीदना परचेज, मिल्क बेचना सेल्स, और वही परचेज और सेल का डिफरेंस निकालोगे तो प्रॉफिट आएगा। अगर यहाँ पे साइकिल का परचेज भी अगर यहाँ डाल दिया और कैन का परचेज भी यहाँ डाल दिया तो प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं भाई, तो लॉस ही दिखेगा। और अब एकदम रियलिटी में सोचो, दैट्स व्हाट आई सेड, यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग द अकाउंट्स। क्या नाम क्या था वो अकाउंट का, वो पहला अकाउंट फाइनल अकाउंट्स में? ट्रेडिंग। अरे यार वर्ड कौन सा? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग? रिलेटेड टू ट्रेड मींस व्हाट वी ट्रेड। किस में ट्रेड कर रहे हो? मिल्क में ट्रेड कर रहे हो कि कैन में ट्रेड कर रहे हो कि साइकिल में ट्रेड कर रहे हो? खाली मिल्क में। तो वहां पे खाली कौन सी एक्टिविटीज आएगी? मिल्क की। मिल्क बाई किया परचेज, मिल्क सेल किया सेल, और डिफरेंस निकाला प्रॉफिट। तो सर साइकिल और कैन किधर गया? असेट में गया। और पहले दिन से ये वर्ड डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि हमें पता चले गुड्स का मतलब क्या है। गुड्स का मतलब है ओनली दोज कमोडिटीज विच वी बाय और मैन्युफैक्चर फॉर सेल, एंड असेट्स आर दोज कमोडिटीज विच वी बाय और मैन्युफैक्चर नॉट फॉर सेल बट फॉर यूज इन बिजनेस। पक्का? एकदम क्लियर? क्लैरिटी आ रहा है थॉट प्रोसेस में? चलो और थोड़ी चीजें क्लियर करते हैं। सो आर यू क्लियर विद गुड्स? गुड्स के अंदर आर यू क्लियर विद वर्ड परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न? पक्का कोई डाउट नहीं है? अच्छा फिर पांचवा वर्ड, फिफ्थ वर्ड, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड नोन एज डेटर? व्हाट आर डेटर्स? जो भी पता है तुमको, अपने को जो भी पता है अपने को बोलने का। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेटर्स? डेटर्स का मतलब क्या है? हाँ, जिससे पैसा आना बाकी है। क्यों आना बाकी है भाई? अब यहीं पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। व्हाट इज रॉन्गली टॉट? नॉट रॉन्गली ऑल्सो बट हाफ रॉन्गली। तो हमको किसी ने बताया स्कूल में डेटर्स का मतलब है पीपल फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव मनी। पार्टली करेक्ट। पीपल फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव मनी, वाई? बिकॉज वी हैव सोल्ड गुड्स टू देम ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू देम ऑन, एक ही रीजन के वजह से अगर उनसे पैसा आना बाकी है। कौन सा रीजन? क्यों? मैंने उसे गुड्स दिया, और कैसे दिया उसको गुड्स मैंने? क्रेडिट में। तो उसको डेटर बोलेंगे हम। तो उसको क्या बोलेंगे? किसी से भी पैसा आना बाकी है तो उसको हम डेटर नहीं बोलते। खाली उस बंदे से पैसा आना बाकी है जिसको हमने, सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोलता हूं मिल्कमैन की कहानी। किसकी कहानी? समझा नहीं समझा? कौन है ये मिल्कमैन? अब मिल्कमैन ने आज 5,000 रुपए का सेल ऑफ मिल्क किया, और ये क्रेडिट पे था, और ये किसको दिया? ये मुझे दिया, राहुल मलकान है मेरा नाम, बरोबर है? यस और नो? अब वो मिल्कमैन का साइकिल था ना, साइकिल वो बिगड़ गया, उसको नया साइकिल लेने का है, तो वो पुराना साइकिल बेच देगा ना। तो उसने पुराना साइकिल बेच दिया। कितने में बेचा? 2,000 में बेचा, और वो भी किस पे बेचा? क्रेडिट पे बेचा। किसको बेचा वो 2,000 वाला साइकिल, पता है तुमको? जिनेश सर को बेचा। परफेक्ट है? यस और नो? अच्छा, फिर मिल्कमैन ना रोज ना दूध देने जाता था वो परी मैम के घर। परी मैम खतरनाक है, बच के रहना तुम लोग। परी मैम ने मिल्कमैन से लोन लिया, दूध तो लिया ही लिया, उसका पैसा भी नहीं दिया था, प्लस और क्या लिया? लोन। लोन टू परी मैम। और तुमको बोलने का नहीं, ये सब मैं क्लास में बोलता है।
आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? अभी तुम लोग सब बन जाओ मिल्कमैन। कौन बन गए हम लोग? सब लोग मिल्कमैन होना। क्या राहुल मलकान से पैसा लेना है? क्या जिनेश सर से पैसा लेना है? क्या परी मैम से पैसा लेना है? सबसे पैसा लेना है? यस और नो? एंड व्हेन आई वाज आस्किंग यू व्हाट इज डेटर, यू टोल्ड मी दैट डेटर आर पीपल फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव। यस, वी हैव टू रिसीव द मनी। कैन राहुल सर बी नोन एज डेटर? कैन जिनेश सर बी नोन एज डेटर? कैन परी मैम बी नोन एज डेटर? कैन ऑल ऑफ देम बी नोन एज डेटर? नो। आ रहा है क्लैरिटी? आ रहा है? पर ना कॉलेज में हमको कहाँ ये सब बोला? कॉलेज में तो बोला जिससे भी पैसा आने का है वो सब कौन है हमारे? ना 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 ना, सारे के सारे लोग डेटर नहीं है। डेटर कौन है इसमें पता है? ये तीन में डेटर कौन है? सिर्फ राहुल मलकान डेटर है। तो सर जिनेश सर डेटर नहीं हुए? नहीं नहीं, जिनेश सर डेटर नहीं हुए। वो क्या हुए? वो कुछ भी हुए मुझे नहीं पता, डेटर नहीं हुए। उसको डेटर के लिस्ट में नहीं लिखने का। अब बैलेंस शीट बनाते हो ना तुम लोग, बैलेंस शीट में डेटर्स लिखते हो ना, वो डेटर्स में कौन लोग होते हैं? वो हमारे सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने क्या दिया है? गुड्स दिया है। और कैसे दिया है वो गुड्स? क्रेडिट पे दिया है। और उनसे क्या लेना बाकी है? पर जिनेश सर वो लिस्ट में नहीं आएंगे, परी मैम वो लिस्ट में? अरे भाई उसको अलग लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट असेट साइड पे एक डेटर्स होंगे जिसके अंदर राहुल मलकान का लिस्ट में नाम आ गया होगा, फिर एक अलग नाम लिखना पड़ेगा जिनेश सर, और उसका रीजन लिखना पड़ेगा साइकिल बेचा, उसको पैसा चाहिए अपने को। फिर एक और अलग नाम आना चाहिए, कौन सा नाम? परी मैम, उसको लोन दिया उसे पैसा लेने का। सो डेटर्स आर नॉट ऑल द पीपल फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव द मनी। डेटर्स आर ओनली दोज पीपल फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव मनी। यस, बट फॉर वॉट? गुड्स। इसीलिए गुड्स और असेट्स को अलग रखना बहुत जरूरी है। अभी क्लियर विद दैट वन? चल रहा है दिमाग? क्लैरिटी आ रहा है? ये सब क्लियर करने के बाद ही मैं तुमको अकाउंट्स पढ़ा सकता है, बिकॉज तुम जो पढ़ के आओ मेरे को थोड़ा रफ लगता है। आगे बढ़ू? एकदम क्लियर है यहाँ पे? डेटर्स का वर्ड क्लियर है? और बोलो तो जरा क्या बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन क्या आता है जोर से? यस मैम, सबका प्रोनाउंसिएशन मस्त है। मैं कभी कभी सुनता लोग बोलते हैं डेप्टर, थोड़े थोड़े लोग तो बोलते हैं डेबिटर। अभी एग्जैक्टली क्लियर? प्रोनाउंसिएशन भी बहुत क्लियर होना चाहिए ना। लैंग्वेज सीखना तो पहले दिन से हम लोग सब एक स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। डेटर्स क्या बोलते हैं हम लोग उसे? ये इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत फनी लैंग्वेज है, मजा आता है मेरे को कभी कभी, बहुत उल्टा फुल्टा सिखा देते हैं ये। एक बार बैंक में गया था मैं, पंजाबी था, सरदार था, बच्चा था, एंड ही वॉज लाइक 7 to 8 years old। और बच्चे कैसे होते पता ना तुम लोग को? खतरनाक। और ये तो एक अलग ही लेवल का था। बोलते हैं क्यों आया हो? मतलब चेक डिपॉजिट करने। चेक नहीं बोलते इसको, मतलब क्या बोलते फिर? चेक यू? मतलब नहीं, चेक है बेटा, चेक। CHECK के क्या होता है? मतलब चेक। तो बोलता है ये कैसे चेक हुआ? बोलता है CHECK क्या होता है? उसमें से आप ई के निकाल दो तो क्या बोलोगे अभी? मेरा चे। बोलता है और वो लाइन लगाते ना अपन लाइन, मेरा हाँ क्यू? तो बोलता है उसका स्पेलिंग क्या होता है? बोलता है क्यू ई। तो बोलता है अभी बोलो चेक क्यू हुआ कि नहीं? खतरनाक था, एकदम खतरनाक था। हाँ भाई, उस दिन मैं सोचा मैं प्रोफेसर नहीं बन सकता भाई, राहुल इसको मत सिखा, ये जो सिखा रहा है वो समझ ले। एंड ही वॉज स्टैंडिंग राइट बिसाइड्स मी, एकदम मेरे पीछे ही खड़ा था। फिर मेरा टर्न आया ना, तो वो जहाँ पे अपने को चेक देना था, मैंने आया प्लीज एक्सेप्ट माई चेक, जोर से मारा पीछे से। बोलता सिखाया ना अभी? भला हाँ भाई हाँ। बोला प्लीज एक्सेप्ट माई चेक क्यू? वो भी सामने टेंशन में आ गया, क्या बोल रहा है? पर डेटर्स तुम लोग ने सुना होगा ना, डेबिटर एंड डेप्टर एंड पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। वाह, क्या बोलेंगे फिर से इसको? हु आर डेटर्स? आर कस्टमर्स टू हुम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम देम। सो मेरा डेफिनेशन थोड़ा बदल गया,
डेटर्स आर नॉट द पीपल फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव द मनी, डेटर्स आर द पीपल फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव द मनी बट ओनली फॉर होम गुड्स, खाली गुड्स के वजह से। और अभी अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ गया है तो अभी आगे की आइडिया क्लियर हो गई है, बिकॉज मैं सिक्स्थ वर्ड कौन सा लिखने वाला हूँ यहाँ पे, क्रेडिटर। डू यू नो व्हाट इज क्रेडिटर? बोलो कौन है क्रेडिटर? अभी टू होम वी हैव टू पे, बट वी हैव टू पे फॉर व्हाट? गुड्स। बैंक वाले को लोन रिटर्न करना है, इज ही योर क्रेडिटर? नो। हमने कोई खर्चे किए अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया हम लोग ने, इज ही योर क्रेडिटर? नो। और आप ये सब करते ही हो, खाली आपको क्लियरली किसी ने बताया नहीं। इफ यू लुक एट योर बैलेंस शीट, डू यू राइट बैंक लोन अलग से? डू यू यूज़ टू राइट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी अलग से? कर ही रहे हो, बट अभी आज हमें पता चल रहा है कि हाँ यार ये अलग था, ये हमें क्रेडिटर की लिस्ट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉलेज में डेफिनेशन में पढ़ा दिया क्रेडिटर आर ऑल द पीपल टू हुम वी हैव टू पे। नो, दे आर नॉट ऑल द पीपल टू हुम वी हैव टू पे। सो क्रेडिटर्स आर व्हाट आई वुड से सप्लायर्स, बोल दूं मैं, फ्रॉम हुम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड वी हैव टू पे मनी टू देम, बोल दूं? एकदम क्लियर जगास, दिमाग चल रहा है बरोबर से तुम लोग का? इसका प्रोनाउंसिएशन भी बोलो एक बार, सब लोग साथ में बोलो। वेरी गुड। कोई डाउट है? डेटर्स क्लियर, क्रेडिटर्स क्लियर। नाउ यू नो व्हाट इज गुड्स, राइट? यू ऑल्सो नो व्हाट इज असेट्स, यू ऑल्सो नो व्हाट इज डेटर्स, यू ऑल्सो नो व्हाट इज, यू ऑल्सो नो व्हाट इज परचेज, यू ऑल्सो नो व्हाट इज परचेज रिटर्न, यू नो व्हाट इज सेल्स, यू नो व्हाट इज सेल्स। एक ऐसी बन करूँ, परचेज आता है, परचेज रिटर्न आता है, सेल्स आता है, सेल्स रिटर्न भी आता है, और वो सब चारों वर्ड किससे कनेक्टेड होंगे? खाली पीछे वाला बंद किया मैंने। किससे वर्ड कनेक्टेड होता है? गुड्स से। पक्का? ट्रांजैक्शन भी क्लियर है, बिजनेस भी क्लियर है। अच्छा, फिर एक वर्ड आता है हमारे लिए, लायबिलिटीज। डू यू नो व्हाट इज लायबिलिटीज? एनी अमाउंट ओड इज नोन एज लायबिलिटी। एनी अमाउंट ओड मतलब कोई भी पैसा अगर देना तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर असेट है या लायबिलिटी है? क्रेडिटर लायबिलिटी कैसे बन गया? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड क्रेडिटर एंड लायबिलिटी? एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ, उतना डीप में भी नहीं है। क्रेडिटर इज अ पर्सन, लायबिलिटी इज द अमाउंट। क्रेडिटर इज अ, वो बंदा क्रेडिटर है और उसको जो पैसा देना है वो लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिटर्स को लायबिलिटी में लिखते हैं। लोग बोलते हैं क्रेडिटर लायबिलिटी बन गए, क्रेडिटर लायबिलिटी नहीं बना, क्रेडिटर को जो पैसा देना है वो लायबिलिटी बना। क्लियर कट डिस्टिंक्शन रखो। अभी एग्जैक्टली क्लियर था? मेरे को कल स्ट्राइक हुआ ये, अपना एक फ्रेंड है खतरनाक, ऐसे पागलपंती करता रहता है, मैं उसको बोला तू लायबिलिटी है। मैं लायबिलिटी नहीं है, मतलब तेरी हरकतें लायबिलिटी है, तू नहीं होगा, पर तेरी हरकतें ऐसे कि मेरे लिए क्या बन जाती है, टेंशन बन जाती। तो भाई तू लायबिलिटी भले ही ना हो, बट तेरी हरकतें मेरे लिए क्या, एक लायबिलिटी। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? कोई डाउट्स आपको? सो अभी क्लियर विद असेट्स एंड यू आर क्लियर विद लायबिलिटी ऑल्सो? ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें थी, यहाँ वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए थी। अभी एग्जैक्टली क्लियर? अच्छा, उसके बाद जाता हूँ मैं, और कुछ भूल रहा हूँ। प्रॉफिट पता है तुम्हें क्या है? लॉस पता है तुम्हें क्या है? प्रॉफिट कैसे मिलेगा हमें, किसको कंपेयर करेंगे हम लोग? इनकम को एक्सपेंस से कंपेयर करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, लॉस को भी इनकम को एक्सपेंस से कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? लॉस। अगर इनकम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो लॉस मिलेगा। असेट और लायबिलिटी को कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस नहीं मिलता। डू यू अग्री विद दैट? पक्का? चलो, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम लोग का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वन आ रहा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। इसको हम लोग दूसरे नए पेज पे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? आप जब भी लिखोगे तभी, फिलहाल मत लिखो। बट बुक कीपिंग क्लियर है, अकाउंटिंग क्लियर है, बिजनेस क्लियर है, ट्रांजैक्शन क्लियर है, गुड्स क्लियर हो गया, असेट्स क्लियर हो गया, डेटर क्लियर, क्रेडिटर क्लियर एंड लायबिलिटीज क्लियर। बाद में तो बहुत कुछ था, थोड़े बहुत एक छोटे छोटे बुरे वर्ड डाल देता हूँ अगर आपको याद आ जाए तो। कैपिटल पता है? व्हाट इज कैपिटल? कौन लगाता है?
अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेसमैन बाय द इन द बिजनेस है ना इज अ कैपिटल. डू यू अग्री विद दिस वन? अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा इंटेलिजेंट है, सोच समझ के आंसर देना. कैपिटल इज एन असेट और कैपिटल इज अ लायबिलिटी? क्यों? वेरी गुड. हाँ बोलो और कोई आंसर. ही इज गिवन मी द आंसर, आई एम लिसनिंग टू इट. बहुत अच्छा आंसर दिया है सर ने मुझे. और कोई आंसर अगर किसी के पास भी हो तो. नहीं सुनाई दिया? वेरी गुड. अभी बोलना भी मत. हाँ कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? बिजनेस में पैसा लगा है तो असेट होना चाहिए ना. अच्छी बात है ना. अच्छा चल एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तेरे को. प्रॉफिट इज एन असेट और लायबिलिटी? चलो प्रॉफिट इज एन असेट. चलिए सर प्रॉफिट इज एन असेट और लायबिलिटी? ना. हाँ सर. चलो ही सेइंग प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी एंड कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी. वेरी गुड. यस सर. कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? हाँ यही चाहिए था मेरे को. ये मस्त है सर, इतने सालों से यही कर रहे हैं ना यार. क्या पूछ रहे हो आप? मेरे को एक फाउंडेशन वाले ने बोला सुबह को, आज नहीं है 2-3 दिन पहले पूछा उसको. मैं उसको पूछा कैपिटल इज एन असेट और लायबिलिटी. मतलब क्यों? टीचर ने बोला 11th में. हम लोग फाइनल अकाउंट में लायबिलिटी में लिखते हैं उसको. और ख़तरनाक है, आएगी तो मिलाऊंगा तुम लोग को. किसी दिन फाउंडेशन का लेक्चर बाजू में रखेंगे, आवाज़ ही बंद नहीं होता. उसको मैं ए बोलता हूँ ना, वो जेड तक पहुँच जाती है. पूरा क्लास है ना सो जाता थोड़ी देर. फिर वो मैं हो गया तेरा भाई. हाँ सर आप बताइए कैपिटल इज अ लायबिलिटी क्यों? वंडरफुल. क्योंकि अकाउंट. वेरी गुड वेरी गुड. और इन्होंने आंसर दे दिया और बहुत अच्छा. अभी अभी फीलिंग्स स्टार्ट हैं आज. फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर्स में लिखना थोड़ा है, बातें ज़्यादा है अभी एग्जैक्टली क्लियर. बट ये है ना कोर है, ये हमें थोड़ा अलग लेवल पे लेके जाएगा. सो वेरी राइटली सेड, एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस का जिसे हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है कि बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर सेपरेट. आर गाइज एंड अकाउंट्स आर रिटन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू? अब फील करते हैं, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग. बट ये एक हायर ऑर्डर थिंकिंग है. मतलब आपको बिजनेस को भी एक बंदा समझ के चलना पड़ेगा. वो इनविजिबल है, दिखता नहीं है, पर वो एक बंदा है. रिलायंस अलग और मुकेश अंबानी अलग. अब जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एग्जांपल तो दे दिया, मेरे घर पे जियो का नेटवर्क नहीं चल रहा, सो आई कैन नॉट कॉल मुकेश अंबानी इनसे. क्या पागलपंती लगा रखा है तूने? कांट डू दैट बिकॉज मुकेश अंबानी अलग है और जियो अलग है. सर जियो किधर है, किधर मिलेगा? नहीं, इनविजिबल पर्सन है, मिलेगा नहीं ऐसे आपको. बट हमें ये समझ के चलना पड़ेगा कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है. और हम अकाउंट्स बिजनेसमैन के लिए नहीं लिख रहे, किसके लिए लिख रहे? बिजनेस. समझा? अब आज मेरे पास है ना वो ड्राइंग पैड नहीं है, मैं लाना भूल गया, बट अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू. बट अपने पास सारी चीज़ों का जुगाड़ है मस्त वाला, तुमको समझाते अभी थोड़ा. सो ये हो गया बिजनेस एंड बिजनेसमैन, ये दोनों अलग अलग चीज है. समझा आपको? अब ये जो पहले वाला बंदा है इसको क्या मानना है आपको? बिजनेसमैन. और इसको क्या मानना है? और अब बिजनेसमैन ने बिजनेस में क्या लगाया? पैसा. इस पैसे को हमने क्या कहा?
किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो? सो दिस इज बिजनेसमैन एंड दिस इज बिजनेस. अब बिजनेस बन जाओ. अब बिजनेस बन के क्या लग रहा है? कहने से पैसा आया, फ्री में आया क्या? नहीं. कहने से ये पैसा आपको कहीं ना कहीं रिटर्न करना पड़ेगा. एंड एनी मनी दैट वी हैव टू पे, कोई भी पैसा अगर हमें रिटर्न करना है तो ये हमारे लिए क्या है? श्योर? और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, खाली सर ने राइट आंसर दिया. प्रॉफिट इज एन एसेट और अ लायबिलिटी? प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी. क्या मजाक कर रहे हो सर, प्रॉफिट तो अच्छा होता है ना? तो मैंने कहा बोला अच्छा नहीं होता, प्रॉफिट अच्छा ही होता है. मैंने अच्छे बुरे की बात तो की नहीं थी, पर हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से. गाइस, बिजनेसमैन बहुत खुश होगा, क्या हो गया? प्रॉफिट. पर बिजनेस खुश नहीं हो रहा है, बिकॉज बिजनेस क्या सोच रहा है? क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. अच्छा, अभी ये भी मेरे को देना पड़ेगा. किसको देना पड़ेगा? बिजनेसमैन को. और आप कर ही रहे थे, खाली आपको आंसर नहीं पता था. आप क्या कर रहे थे पता है? मैं आपको बताता हूँ. फाइनल अकाउंट्स बनाती हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या मिलता है? कहाँ लेके जाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मिलता है? कहाँ लेके जाते थे? एड टू लायबिलिटी. देखो, आप खुद ही कर रहे थे, आप खुद ही कर रहे थे. अगर आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है तो आपने क्या बोला? एड टू लायबिलिटी, एड टू कैपिटल. कैपिटल पहले से लायबिलिटी, और उसमें अगर आप ऐड कर रहे हो तो डू यू ऑल अग्री विथ मी टुडे कि प्रॉफिट इज नॉट एन एसेट, प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी. प्रॉफिट इंक्रीज इज द कैपिटल ऑफ द पर्सन. समझा? और ये समझने के लिए मुझे तुम्हें क्या समझाना पड़ा? एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. समझ रहे हो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? अकाउंट्स लिखेंगे ना, अकाउंट्स बनाएंगे ना हम लोग. किसके लिए अकाउंट्स बनाएंगे? बिजनेस कौन है? सर एक अलग बंदा है. सर ये बिजनेसमैन? नहीं नहीं नहीं, बिजनेसमैन अलग, बिजनेस. और हम अकाउंट्स किसके लिए लिखेंगे? तो फॉर बिजनेस, बिजनेसमैन इज अ डिफरेंट एंटिटी. बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग. और उसके वजह से कैपिटल क्या बन जाता है हमारे लिए? लायबिलिटी. नेट प्रॉफिट क्या बन जाता है हमारे लिए? लायबिलिटी. नेट लॉस क्या बन जाता है हमारे लिए? असेट. सर लॉस असेट? हाँ बेटा, लॉस असेट. बिजनेसमैन दुखी है पर बिजनेस बहुत लॉस हुआ. अब हम ये पैसा वसूल करेंगे. किससे वसूल करेंगे? बिजनेसमैन से वसूल करेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो गाइस, यहां पे वेरी राइटली सेड, और इसीलिए इन दोनों को साथ में लिख रहा था मैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और ये. अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, एंड कैपिटल इज द लायबिलिटी, लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. टेल मी जकास, कोई डाउट? और आगे बढ़ते जाए, कैपिटल का ऑपोजिट वर्ड कौन सा है? ड्रॉइंग्स. वट इज ड्रॉइंग्स? अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज नोन एज वॉट? वो लिखा के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है. बट डिड यू अंडरस्टैंड समथिंग नोट एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट किसका पार्ट है? गाइज, दिस इज थ्री वर्ड्स: अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग. ये भी एक चैप्टर कहीं पढ़ा होगा, पर ऐसे उड़ गया होगा ना एक मिनट के अंदर कि पता ही नहीं चला कि पढ़ क्या रहे थे. पढ़ा तो है, फाउंडेशन में भी पढ़ा है, या तो कॉलेज लेवल पे 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, या कहीं पे 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. पढ़ा तो है, पर आज अब भी फील लेंगे उसका बरोबर से. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स के बाद कन्वेंशंस के बाद पहला वर्ड लेके आता हूं. व्हाट आर प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स, रूल्स, एक्शन, बिहेवियर, कैसे बिहेव करते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं. अभी एग्जैक्टली क्लियर? क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्ट, ट्रूथ, ऑनेस्टी, झूठ नहीं बोलना, ये सब क्या है? प्रिंसिपल्स है. तो जैसे तुम्हारे लाइफ में प्रिंसिपल्स है, वैसे ही प्रिंसिपल्स अकाउंट्स में भी है. और जो तुम्हारे लाइफ के प्रिंसिपल्स है वही अकाउंट्स के प्रिंसिपल है. क्या प्रिंसिपल है? अकाउंट्स बोलता है झूठ नहीं बोलने का, अकाउंट्स बोलता है चीटिंग नहीं करने का. मेरा सुबह बैच होता है 7 to 10, CA फाइनल का बैच होता है.
वहाँ पे एक बच्चा आता है, नाम भूल गया मैं उसका। सो व्हाट ही डज अ वेरी वंडरफुल प्रिंसिपल, हम लोग कभी चाय पीने जाते हैं ना साथ में, वो 7 to 10 यार सुबह सुबह में तो एक तो उठ के आ जाते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं। तो वो क्या करता है पता है, चाय का कप लेने के पहले, चाय वाले से पहले वो उसका 10 रुपया देता है। बोलते सर डैडी ने बोला है पहले पे करो फिर लो। बोलते जितना है उतना ही खर्चा करने का, अभी एग्जैक्टली क्लियर? तो मैं हाँ ठीक है भाई तेरे पास है ना तो पहले तू ले लिया और दे देना। नहीं, बोलते नहीं सर उसमें भी क्या होता है कभी कभी नहीं होगा, ले लिया ना तो बाद में उसको बोलेंगे कल देंगे। बोलते नहीं डैडी ने बोला जेब में जितना होता है उतना ही खर्चा करने का। तो व्हाट ही हैज़ अ प्रिंसिपल ऑफ पेइंग फर्स्ट देन टेकिंग द प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, एक प्रिंसिपल हो गया। तो वैसे अकाउंट्स में क्या है, प्रिंसिपल्स है, अभी क्लियर? और सबसे बड़ा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट इज ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब प्रॉफिट जो निकालना है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए। वैसे बोला है, करते वो अलग बात है सब लोग, बिकॉज अपने को भी बोला है झूठ तो, पर हम तो रोज बोलते हैं हाँ ना। बोला है तुमको किसी ने झूठ नहीं बोलने का? क्यों बोला है झूठ नहीं बोलने का, क्या क्या होगा झूठ बोलने से? नहीं पता ही नहीं है, बोलते हो झूठ, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोलो झूठ बोलने का तुम लोग को, कि तुमको याद रखना पड़ेगा कि किसको क्या बोला था। मेरे साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, दैट डे आई डिसाइडेड मैं झूठ नहीं बोलेगा, सीरियसली मैं तुमको बोलता। बिकॉज ना कॉलेज में था ना मैं, अब कॉलेज में जैसे कि इतना बंदे ने कितना आराम से बोल दिया सर मेरा केटी वाकई क्या करूँ, मेरा भी, मैं केटी वाला बंदा है, एफ आई बी कॉम में केटी आया, एस वाई बी कॉम में गया, एस वाई बी कॉम में एफ आई बी कॉम का केटी क्लियर किया तो एस वाई बी कॉम का केटी आ गया। पर तुमको मालूम है ना दुनिया में बहुत टाइप के लोग होते हैं, सबसे खतरनाक लोग ना अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स है ना। अभी उसने मेरे को पूछा एक दिन क्या कितना है, फर्स्ट क्लास 62%, उससे नीचे तो आता ही नहीं भाई, फर्स्ट क्लास ही आता है अपने को, ठीक है पूछने का नहीं नेक्स्ट टाइम से, डन। फिर दूसरा मिला कितना है, पास हो गया रे सब में। फिर तीसरा अपना लेवल का, कितने में गेटी, मेरे को एक है तेरे को बता। अब तीन कैटेगरी के लोग, तीन झूठ, चौथे दिन चौथा आके बोलता है ए राहुल कितना बोला था, तू ही बता ना तेरे को कितना बोला था पागल। अब मेरे को कैसे याद रहेगा तेरे को कितना बोला था मैंने। ये हुए कॉन्सेप्ट्स नहीं, ये हुए प्रिंसिपल्स। क्या हुए ये, वाई एम आई टीचिंग यू दिस इज यू नो बिकॉज बिलीव मी गाइस, मैं बहुत सारे कंपनीज में जाता हूँ एज एन एचआर बन के, लोगों को अपॉइंट करने, चार्टर्ड बन जाते हैं ना लोग फिर जॉब जाते हैं। मेरा एक और बिजनेस ये है कि मैं इंटरव्यूज लेता हूँ लोगों के, खाली उनको अपॉइंट करने के लिए। और वहाँ पे सबसे पहले जाके मैं पूछता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल, नो बडी इज एबल टू आंसर। उन लोग के लिए सब कुछ सेम ही है, बट देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। बिलीव मी सीए बनने के बाद भी ये क्लैरिटी नहीं आता लोगों में। प्रिंसिपल समझा, प्रिंसिपल्स के बाद क्या होता है, एक थोड़ा सा जोक है बट अगेन इट्स माई प्रिंसिपल। सो एक और प्रिंसिपल बना के रखा है मैंने लाइफ में, झूठ नहीं बोलना पहला पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ना, मैं अभी तो बाइक बेच दिया, मैंने बाइक ड्राइव करता था, मैं बुलेट था मेरे पास, मेरा बुलेट का स्पीड होता था 30-40, उससे ऊपर जाने का ही नहीं, और बुलेट लेके बैठा हूँ और स्पीड कितना 30-40। वो सुबह फाइनल का बैच बोलता ना मैं तुम्हें, तभी जमाने में फाइनल का बैच था तभी मेरे पास बुलेट था। वो बच्चे बोलते किधर से आते हो सर, मैं कांदी वाली, सर इधर मिलो साथ में आएंगे, मैं हाँ मिलो। सब लोग 7:45 झिकमा हो इधर, चाय बाय पिया, चलो अभी क्लास चलते हैं। सब लोग चालू किए बाइक, सब लोग पहुंच गए 7 बजे, मैं पहुंचा 7:15। सब लोग मेरे को ढूंढ रहे इधर नीचे आके, सर किधर गए, सर किधर गए। बोले सर किधर गए, मतलब तुम पागल इतना भगाए क्यों तुम लोग, मैं तो एकदम आराम से आता हूँ। आर यू क्लियर? तो उसमें एक बच्चा बोलता है मेरे को सर नेक्स्ट टाइम मेरे पीछे बैठो, देखो मैं आपको यहाँ से कांदीवली 15 मिनट में पहुँचाता हूँ। मैं क्या समझाऊँ उसको कि बेटा अभी तू पैदा हुआ है, हम भी तेरे बाप थे कभी। अब वो मुझे कैसे डरा रहा है कि आप मेरे पीछे बैठो, अभी एग्जैक्टली क्लियर? में जब पहली बार मैंने बाइक लिया था ना 11th स्टैंडर्ड में लिया था, एंड माई कॉलेज इज इन टाउन,
जय हिंद कॉलेज चर्च गेट में, और जय हिंद कॉलेज के राइट लेन पे आता है बीच रोड अपना, और वो रोड पूरा खाली होता था तभी के ज़माने में, तभी रेस लगाते थे हम लोग, पुलिस आ जाती थी। ऐसे तो कारनामे किए, पर एक बार एक्सीडेंट भी हुआ और दोनों पैर फ्रैक्चर हुए, दोनों, एक भी नहीं, दोनों। और फ्रेंड्स भी कमीन है, रोज आते थे नारियल पानी लेके, और मेरे लिए नहीं, खुद अपने लिए नारियल पानी आते थे। फिर वो फ्रैक्चर हुआ करता था, उधर ड्राइंग वाइंग बनाते थे दोनों पैर पे, और नारियल पानी पीते थे मेरे सामने। तभी मैं सोचा भाई बाइक विल नॉट गो अबाउट 30-40, जाएगा ही नहीं। सुबह को कितना गाड़ी वाला हॉर्न मारे ना, एक बार तो हॉर्न मार मार के थक के आके बोलता है किधर, गार्डन में चला रहा। मैंने हाँ, मैंने तेरे को जाने का, जाना पूरा रोड खाली है तेरे लिए, तू मेरे पीछे आके क्यों हॉर्न मार रहा है, मैं साइड पे चला रहा हूँ, मैं बीच में नहीं चला रहा हूँ। कुछ भी हो जाए 40 के ऊपर तो कहां से आया ये एक्सपीरियंस, कहां से आया ये? जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक प्रिंसिपल नहीं बनते भाई। अभी क्लियर विद दैट वन? अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, चीटिंग नहीं, नहीं करेंगे सर, टैक्स वैक्स कौन भरता है? करो, जिस दिन पकड़े जाओगे खुद प्रिंसिपल बनाओगे कि नहीं करेंगे? अभी क्लियर विद दैट? ये हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्सेप्ट। कौन सा वर्ड आता है? कॉन्सेप्ट्स आर अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स आर अजम्पशंस दैट वी हैव टू फॉलो। कौन से अजम्पशंस है मैं आपको सिखाऊंगा। एंड थर्ड वर्ड कौन सा है? कन्वेंशंस आर पास्ट प्रैक्टिसेस। पहले के जमाने के लोग ये करते थे तो हम भी करेंगे। सर क्यों करेंगे? नहीं ये नहीं पता। द अननोन इज व्हाट, बट जितना जल्दी हो सके कन्वेंशन से हटना है। पर हटने के लिए अपने पास कोई अच्छी रीजन होनी चाहिए कि क्यों हट रहे हैं। जब तक अच्छा रीजन नहीं हो तब तक उससे हटेंगे नहीं। एकदम क्लियर? सो थ्री वर्ड्स, कौन से थ्री वर्ड्स? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग, देखो कन्वेंशन, कन्वेंशन एकदम ऑफ ट्रैक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अकाउंट्स के रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, एकदम ऑफ ट्रैक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कन्वेंशन का। क्या आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि रात को नाखून नहीं काटना? क्यों? पता नहीं, ये हमने ढूंढा है। किसी ने बताया तेरे को? कहीं लिखा ही है? एज सिंपल एज दैट, इट्स अ कन्वेंशन। अभी क्लियर विद दैट वन? अब मैंने मेरी मम्मी को पूछा था, मेरे को तो ना रीजन के बिना लाइफ में कुछ चलता ही नहीं। मम्मी बोलती रात को नाखून नहीं काटना है। क्यों? बोलती रात को बुरे सपने आएंगे। अब मेरे को सपने आते हैं, मजा भी आता है देखने का उसको, अपन देखे बुरे कैसे होते हैं। मैं काटा तो कोई बुरे सपने नहीं आए, तो मम्मी जो कहा बोला बुरे सपने नहीं आए, बता रहे पागल लक्ष्मी चली जाएगी। अब लक्ष्मी मीन्स मनी, अब वो कौन से जमाने की बात कर रहे हैं जब मेरे को पॉकेट मनी मिलता था हिटलर से, मेरे डैड, वो खतरनाक हिटलर, 1 महीने का 500 रुपया, मतलब 500 500, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा मेरे को। एक बार तो मैं जाके बोला कि सब पापा वो ब्लैक लिस्ट में नाम आ गया, बोलते तो बोला वो कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा ना, तो वो लोग मेरे को हॉल टिकट नहीं देंगे। बोलते तो आगे बोलना, बोला तो वो जो 500 रुपये दिए थे वो खत्म हो गए, 10 दिन का एडवांस दो ना, कुछ नहीं मिलेगा। बोला अरे हॉल टिकट, बोलते तेरा प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। ऐसे तो डैड है, समझा तुम लोग को? नहीं तो नहीं। अब मम्मी बोलती लक्ष्मी चली जाएगी, आती किधर है कि जाएगी? फिर मैंने मम्मी को बोला एकदम झूठ बोल रहे हो, तुम सच बताओ क्या होएगा? बोलता है भाई तेरे नाना बता के गए और तेरे नाना ऊपर गए, अब तेरे को रियल रीजन चाहिए तो तू ऊपर जा। भाई अपने को इतना जल्दी ऊपर जाने का कोई शौक? देर माइट बी सम रीजन, आई एम टेलिंग यू, देर माइट बी सम रीजन। अब नए साइंटिफिक लोग आए दुनिया में, और नए साइंटिफिक लोगों को पूछा नाखून क्यों नहीं काटेगा, सर ना पुराने जमाने में लाइट नहीं होगा सर। हाँ, और सर पुराने जमाने में नेल कटर भी नहीं होगा। हाँ, तो नाखून कैसे काटते होंगे? आग से, फिर कुछ पत्थर से, सर टक्कर जाएगा ना हाथ पर, ये साइंटिफिक रीजन हुआ। तुमको किसी ने बताया क्या ये? मेरे को रियल रीजन पता है, और रियल रीजन मेरे को ये पता है, नाखून क्यों नहीं काटने का उसका रीजन नहीं पता है मेरे को। मेरे को ये पता है कि ऊपर से किसी ने रियल रीजन बताया ही नहीं हमको,
बिकॉज सी पहले के जमाने के व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, व्हाट वाज द रिलेशनशिप? आज के जैसे हमारे रिलेशन है हमारे पेरेंट्स के साथ, वैसे ही क्या रिलेशन पहले? आजकल देखा है तुम लोग क्या करते हो अपने पेरेंट्स के साथ? यो मॉम गिव मी फाइव, है ना? मेरे डैड को बोले जाके बोलूँ ना योर डैड गिव मी फाइव, वो फाइव देगा ही। और मेरे डैड ना, मैं जितना मेरे डैड से डरता हूँ उतने डबल मेरे डैड उनके डैड से डरते थे। मैं कभी टीवी चालू करके बैठा हूँ और डैड आ जाना तो टीवी बंद, बुक चालू, और जैसे दादा आ जाना मेरे, बुक बंद टीवी चालू, और किधर जाके बैठ जाने का? दादा के बाजू में। और डैड अपने को देखा, देखो क्या फर्क पड़ता है, देखो अब तुम इधर भी देखो। सो पहले के ज़माने के लोगों की इतनी ताकत ही नहीं थी कि अपने डैड को जाके पूछे कि ये क्यों नहीं करना है। अब डैड ने बच्चे को बोल दिया क्या नहीं काटने का, और इसमें ताकत थी नहीं कि पूछे डैड को क्यों नहीं काटने का। अब उधर से नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया, रीज़न आया ही नहीं, चीज़ आ गया पर रीज़न नहीं आया, कन्वेंशन। हाँ बट अब साइंटिफिक आंसर अच्छा है कि शायद पहले लाइट नहीं होगी तो ये नहीं होगा वो नहीं, अब काट के देखो कुछ होता है क्या, प्रॉब्लम नहीं होता तो काटो। सो कन्वेंशन शुड चेंज, बट इट शुड चेंज ओनली फॉर राइट रीजन, नॉट जस्ट फॉर चेंजिंग इट, इट शुड चेंज फॉर राइट रीजन। परफेक्ट है, एकदम क्लियर? कन्वेंशन कॉन्सेप्ट जा रहे हैं बरोबर से? अब पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ये तो मैंने खाली मीनिंग पढ़ा है। किसका मीनिंग पढ़ा है? कि प्रिंसिपल क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया दैट इज नोन एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। डू यू ऑल नो व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। और ये कॉन्सेप्ट के वजह से कैपिटल क्या बना, प्रॉफिट क्या बना, ड्रॉइंग्स क्या बनेगा, असेट्स बोल दो या तो रिडक्शन इन कैपिटल बोल दो, एंड लॉस क्या बनेगा, असेट्स बोल दो या रिडक्शन इन कैपिटल बोल दो। अभी क्लियर विद दैट? अच्छा फिर तुम लोग ने, यस मैम सुन रहा हूँ ना, दिस इज प्रिंसिपल बिकॉज दिस इज द रूल दैट वी हैव टू फॉलो। नो दिस इज द रूल वी हैव टू फॉलो, इफ यू डोंट फॉलो दिस आप अकाउंट्स ही नहीं बना पाओगे। कन्वेंशन होती पास की प्रैक्टिस, जैसे हमें कोई रीजन नहीं पता होते। सो दिस इज नॉट अ कन्वेंशन, दिस इज अ प्रिंसिपल कि ये फॉलो करना ही है, ये रूल है। बाइक 40 के ऊपर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर 40 के ऊपर चलेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। परफेक्ट है? कैन आई गो अहेड नाउ? चलो, और इसको कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं बिकॉज ये एक अजम्पशन भी है, हम लोग को अजम्पशन डालना है, प्रिंसिपल बोल दो या कॉन्सेप्ट बोल दो। आगे जाऊं, नेक्स्ट, गोइंग, बोलो बोलो, आई एम लिसनिंग इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन, कैन आई गो अहेड? अच्छा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हैव यू हर्ड अबाउट दिस नाउ? बोलो, ठीक है। सो ही सेइंग कि हमें सोचना है कि बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलेगा। एनीवन एल्स? यस मैम बोलो, बोलना अलाउड है अपने को। अब यहाँ पे क्लास में थोड़ा चेंज आएगा तुम्हारे पास ना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ कॉलेज क्लासरूम, एंड पर्टिकुलरली इन माई क्लासरूम आई नो जिनेश सर क्लासरूम, आई नो परीज मैम्स क्लासरूम, आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए बेटा, ठीक है? अब हम आपको ना एज अ स्टूडेंट ट्रीट नहीं करेंगे, आप मोर ऑफ हमारे फ्रेंड्स बनते जाएंगे। फाइनल में तो हमारे डिस्कशंस होता है, झगड़े होते हैं बच्चों के साथ। अभी एग्जैक्टली क्लियर, वो लेवल बढ़ाना है, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है हमें यहाँ पे। गॉट दिस? इट्स नॉट गोइंग टू बी वन वे कम्युनिकेशन, मैं बोलता रहूँगा तुम सुनते रहोगे, ऐसा नहीं। चलो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एनी वन एल्स? सो यहाँ पे बताया गया, वी अज्यूम बिजनेस टू keep on going, business to keep on for perpetual life, for what? Perpetual life का मतलब क्या हुआ? Perpetual life का मतलब never ending story, चलता ही रहेगा, अमर है। कौन अमर है? Business. अभी एग्जैक्टली क्लियर, बिजनेस मरेगा कभी नहीं? अजम्पशन है कि बिजनेस कभी, बिजनेसमैन मर जाए पर बिजनेस
रिलायंस स्टार्ट कौन किया था? धीरूभाई अंबानी के बाद वो किसको देके गया? वो कौन किसको देके जाएगा? टाटा इंडस्ट्रीज किसने चालू किया था? जमशेद जी टाटा, याद है तुम लोगों को? लिखा था बुक में जमशेद जी टाटा, फिर लास्ट में आते आते रतन टाटा आके गए। अब टाटा का चेयरमैन कौन है? देर इज नो टाटा नाउ, बट स्टिल टाटा कंपनी इज देयर। रतन टाटा इज ऑलरेडी रिजाइंड, ही इज ऑलरेडी रिटायर्ड, ही डज नॉट वर्क एनी मोर। तो ऐसा भी मत समझना कि धीरूभाई अंबानी तो अंबानी ही रिलायंस चलाते रहेंगे। किसी दिन ये हो सकता है कि अंबानी खत्म हो जाए, बट रिलायंस खत्म नहीं होगा, ये अज्यूम करके चलना। सर, ये अजम्पशन से क्या फर्क पड़ता है हमें अकाउंट्स में? तो ये अजम्पशन से हमें क्या फर्क पड़ता है? आप मेरी बात सुनो आराम से। थोड़ा जर्नल एंट्रीज आता है तुम लोग को? ट्राई करें। रेंट पेड जर्नल एंट्री क्या होगा? रेंट टू कैश। फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर टू कैश। दो जर्नल एंट्री बताई आपने, और बहुत स्मार्ट लोग हो तुम लोग। पहला एंट्री आपने बताया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और दूसरा एंट्री आपने बताया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत अच्छे लोग हो। रेंट कहाँ लिखते हो? फाइनल अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फर्नीचर कहाँ लिखते हो? ऐसे क्यों करते हो? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? क्योंकि रेंट पे किया, इसका बेनिफिट खत्म हो गया, पर फर्नीचर के लिए पे किया, इसका बेनिफिट खत्म, इसका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा। कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलता रहेगा। बट फ्यूचर में मिलता रहेगा के लिए अपना दिमाग तो ये बोलना चाहिए ना कि फ्यूचर है। मतलब इसके लिए हमारे दिमाग के पीछे क्या है कि बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग, ताकि हम ये चीजों का बेनिफिट ले सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? बैलेंस शीट ही क्यों बना पता है? क्योंकि हम गोइंग कंसर्न फॉलो करते हैं। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने वाला हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपनी अपना फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाता है, और वहां पे हम एक क्वेश्चन डालेंगे कि अज्यूम नॉट अ गोइंग कंसर्न। मतलब आप ये अज्यूम करो कि बिजनेस विल नॉट कीप ऑन, तो बैलेंस शीट कैसे बदल जाएगी? पूरा डिस्क्लोजर नहीं मैम, पूरा बैलेंस शीट का दशा बदल जाएगा। एवरीथिंग इनसाइड द बैलेंस शीट विल चेंज, बिकॉज आप बैलेंस शीट में फर्नीचर लिखते हो, क्या सोच के लिखते हो कि इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। पर अब अगर मैं अभी आपको ये बताऊं कि उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता रहेगा बिकॉज बिजनेस 3 महीने में बंद होने वाला है, तो आपको पता है फर्नीचर कौन से वैल्यू पे लिखना पड़ेगा आपको? उसके सेलिंग प्राइस पे। डेप्रिशिएट तो बाद में अलग ही चीज हुई बेटा, पर हम उसे कौन से प्राइस पे दिखाएंगे? जो प्राइस पे फर्नीचर बिक सकता है। नॉर्मली हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या सोच के बनाते हैं? कि उसको सेलिंग प्राइस पे नहीं दिखाना है, कॉस्ट लेस डेप्रिशिएशन पे दिखाना है। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट लेते रहेंगे। पर अगर मैं आपको बोल दूं कि 3 महीने के बाद बिजनेस बंद होने वाला है, तो फिर वो बैलेंस शीट कॉस्टलेस डेप्रिशिएशन पे नहीं दिखेगा। किस पे दिखेगा? सेलिंग प्राइस। बिकॉज अभी आपको फ्रैंकली बताऊं तो बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट नाम की चीज ही नहीं रहेगी। एवरीथिंग विल बिकम करंट एसेट। थिंक हार्ड, मैं जो बोल रहा हूं वो सुना है कि नहीं? बैलेंस शीट में दो टाइप के एसेट्स होते हैं। कौन से दो टाइप के एसेट्स होते हैं? फिक्स असेट्स का मतलब क्या? असेट विच विल गिव यू बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। करंट असेट का मतलब क्या? जहां से पैसे आ जाएंगे 1 साल के अंदर। डू यू अग्री विद दैट वन? अगर मैं बोल दूं कि बिजनेस 3 महीने में बंद हो जाएगा, तो सब कुछ करंट असेट बन गया। और तो और ये छोड़ो, ये तो बैलेंस शीट बन गई, और उसके बाद मैं बोलूं कि 3 महीने में बंद हो जाएगा। हैव यू डन अ चैप्टर नोन एज ज्वाइंट वेंचर नाम की कोई चीज? ज्वाइंट वेंचर किया है नहीं किया है? जस्ट सोचो एक बार। पढ़े हो ना? ना ना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तो कंपनी हो गया बेटा। ज्वाइंट वेंचर नाम का चैप्टर था, ज्वाइंट वेंचर। अब ज्वाइंट वेंचर में क्या था पता है आपको? दो लोग आके एक ज्वाइंट वेंचर चालू करते थे। डू यू रिमेंबर दिस? एंड नहीं, ए आता था, बी आता था, और ये लोग एक ज्वाइंट वेंचर करते थे। आई डिडंट गेट यू। वेंचर इज बिजनेस, लाइक अ पार्टनरशिप बिजनेस। बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप बिजनेस एंड द ज्वाइंट वेंचर बिजनेस? पार्टनरशिप में हम एंटर करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, परपेचुअल। ज्वाइंट वेंचर में हम एंटर करते हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए ना।
नहीं, अमालगमेशन तो बहुत अलग चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। जॉइंट वेंचर कैपिटल आराम से आराम से, यहाँ वहाँ नहीं, आप मेरी बातें सुनेंगे। सो सेम है, पार्टनरशिप ही है, बट ये पार्टनरशिप किसके लिए हुई है? सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए। सर ऐसे क्यों करेंगे कोई? तो भाई पार्टनरशिप होती है लंबे लंबे समय के लिए। अब दो अलग अलग बिजनेस है, कॉम्पीटिंग बिजनेस है। अब गवर्नमेंट आके एक टेंडर निकालता है, राहुल एक फ्लाईओवर बनाना है अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट, और ये दो कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों कॉम्पिटिटर्स है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है। तो गवर्नमेंट क्या, इसके बाद राहुल कितने में बनाएगा फ्लाईओवर? मतलब 5 करोड़। जिनेश कितने में बनाएगा फ्लाईओवर? सर मैं बनाता हूँ 6 करोड़। अरे राहुल 5 बोल रहा था तो मैं 4.25 में बनाऊंगा। ये कितने में बना रहा है जिनेश? अब गवर्नमेंट किधर जाएगा? नहीं, राहुल के पास। गवर्नमेंट राहुल को क्या बोलेगा? था जिनेश 4.25 में बना, मैं 4.5 में बनाऊंगा। फायदा किसका हो रहा है और बन कौन रहा है? अब हम दोनों मिल गए, बराबर की नहीं? मैं जिनेश को बोला, क्या कर रहा है जिनेश यार, 4.25 में बना लेगा, कैसा प्रॉफिट होएगा तेरे को? तू भी तो बोला 5 में बना लेगा। बोला एक काम करते जिनेश, तू 7 लिख, मैं 6 लिखता हूँ, और फिर गवर्नमेंट आएगा तेरे पास, तेरे को गवर्नमेंट बोलेगा देखो राहुल 6 बोल रहा है, तो तू बोल देना हाँ दे दो उसको काम। अभी अपन दोनों मिलके ऑर्डर लेंगे, पर गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा अपन दोनों ने लिया है। गवर्नमेंट को लगेगा गवर्नमेंट ने काम किसको दिया है? राहुल को। पर अपन काम तो दोनों कर रहे हैं, और ऑर्डर कितने में आएगा? 6 में। वो कितने में जाने वाला था? 4.5 में। अब कितने में आएगा? 6 में। प्रॉफिट होएगा कि नहीं अपने को? अपन दोनों बांट लेंगे, पर एक ही। हाँ एक ही, बाद में तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। ये हुआ जॉइंट वेंचर, समझा? अब जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? तो जॉइंट वेंचर इज ओनली फॉर वन एंड पार्टनरशिप इज। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में कभी बैलेंस शीट नहीं बनती है। क्या नहीं बनता है? बैलेंस शीट बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? बिकॉज उसके असेट्स नहीं होते हैं। सर असेट्स तो होते होंगे ना? नहीं होते हैं। बिकॉज असेट्स का मतलब क्या होता है? कि उससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे कोई फ्यूचर में बेनिफिट तो अपने को लेने का ही नहीं, अपने को तो खाली ये एक वेंचर काम खत्म करने का, निकल जाने का। यस और नो? दिमाग चल रहा है? पर आप जब अकाउंट्स बनाओगे तो आप ज्वाइंट वेंचर के बारे में सोच के अकाउंट्स नहीं बनाओगे। ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट्स अलग बनते हैं। हमारे जो सारे हम अकाउंट्स बनाएंगे वो कौन से कॉन्सेप्ट को समझ के बनाएंगे? हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हमारा बैलेंस शीट बनाएंगे, फिक्स्ड असेट करंट असेट अलग अलग लिखेंगे, एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ विच कॉन्सेप्ट? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आर यू क्लियर विथ टू थिंग्स? पहला, आर यू क्लियर विथ समथिंग विच इज नोन एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? आर यू क्लियर विथ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? थर्ड कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। सुना है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का, कॉन्सेप्ट ऑफ। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म? क्या मतलब होता है? ना नहीं, थोड़ा राइट है बट उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे बरोबर। एनी वन एल्स हैज हर्ड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म? अगेन पार्टली करेक्ट, पार्टली करेक्ट, मतलब दोनों का लेवल जा रहा है वहां पे, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट अप टू दैट मार्क। वंडरफुल वंडरफुल। सो नाउ इट कम्स टू द पिक्चर। ऐसा नहीं बोला प्रॉफिट मत दिखाओ, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो मत दिखाओ, बट अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो अभी से दिखाओ। कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं? सो फाइनल अकाउंट्स बनाए वापस, तुम लोग सब स्मार्ट लोग। क्लोजिंग स्टॉक सुना है? क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट सुना है? व्हाट आर टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? मस्त ना, एकदम बाय हार्टेड, एकदम खून में है ना ये हमारे। क्लोजिंग स्टॉक रात को 2 बजे उठा के ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट, वाओ लवली वंडरफुल ग्रेट।
फिर ये सुना है दैट क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लो, सुना है नहीं सुना है? क्यों? तो आप मुझे बताओ ना मान, स्टॉक का कॉस्ट प्राइस 10 और मार्केट वैल्यू 12, कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 10 पे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि भरोसा थोड़ी है सर 12 पे जाएगा। वाह बढ़िया है मैम। अच्छा मैम, मार्केट वैल्यू 10 और कॉस्ट प्राइस 12, अभी क्यों? तो 12 पे क्यों दिखाया था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम भी आपने कॉस्ट पे क्यों दिखाया और इस टाइम आप मार्केट वैल्यू पे क्यों दिखा रहे हो? नहीं तो बेचोगे तो 12 मिले, बेचेंगे तो कॉस्ट तो 10 है ना, 12 है ना। मार्केट वैल्यू गिर गया पर बेचा कहां अभी तक? तो कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट तो ये है। एंड व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। नॉट बिकॉज कि हम लोग को सर ये मिलेगा वो मिलेगा ये है वो है, नहीं। अकाउंट्स क्या कहता है? यू शुड फॉलो व्हाइल डूइंग अकाउंट्स, यू शुड ऑलवेज फॉलो कॉन्सेप्ट ऑफ। एंड व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म? एकदम आराम से सुनना मेरी बात। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म? इट सेज कि अगर फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो अभी से रोना चालू करो, और कोई प्रॉफिट होने वाला है तो किसी को नहीं बताने का ना। और ये मैं नहीं सिखा रहा हूं, ये मम्मी ने सिखाया तुमको। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, हाफ ऑफ द टीच थिंग्स दैट आई टीच यू इन द क्लासरूम यू ऑलवेज नो। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू राइट वर्ड। हैज योर मॉम नॉट टोल्ड यू कि कुछ अच्छा आने वाला है तो किसी को बताना नहीं, बिगड़ जाएगा जब तक हो ना जाए। बताया कि नहीं बताया? तो मैं कहाँ सिखा रहा हूँ तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म? हु हैज टॉट यू कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म? मम्मी। जस्ट दैट वी डोंट फॉलो इट ऑल्सो, वी डोंट फॉलो। कितना एग्जाम्स दिया लाइफ में? हाउ मेनी एग्जाम्स हैव यू गिवन टिल डेट? जरा सोचो कितनी बार एग्जाम दिया तुम लोग ने लाइफ में। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना? क्या पूछ रहा हूं मैं कि लाइफ में कितना एग्जाम दिया, कितना एग्जाम दिया? वेरी गुड। और इतने सारे एग्जाम में डेफिनेटली आई एम श्योर कि मम्मी ने पूछा होगा पेपर कैसा गया और क्या बताया आंसर में। अच्छा गया है ना, अच्छा ही गया। अच्छा नहीं गया फिर भी अच्छा ही गया। अच्छा क्यों अच्छा नहीं जाता था पेपर? कभी अच्छा जाता था क्या? बाय द वे ये एक्सेप्शन है, स्कॉलर लोग अपने साथ नहीं है। तेरा भी अच्छा जाता था कभी कभार? वेरी गुड। स्कॉलर स्कॉलर कितना परसेंट आया तेरे को 10th में? वेरी गुड। मैडम पीछे वाले, बाप रे पैर किधर है तेरे, कैसे कर ले तो ये सब कुछ? पता है तेरे को मेरे को कितना आया था? 450, 450 आउट ऑफ। मैं नहीं बताएगा, आई एम वेरी स्मार्ट। मैं बताएगा ही नहीं ना, अभी तुम सोचो। अभी तुम लोग अगर आउट ऑफ 500 करोगे तो मैं 600 करोगे तो सोचो 700 भी हो सकता है। आई डोंट नो, आई विल नॉट टेल यू नाउ। अच्छा ये दोनों को छोड़ के भाई, बाकी सब लोग के पेपर अच्छे जाते थे? ये रे बाजू में एक और है, तू भी 91 है क्या? बाप रे बाप, कहाँ से करते हो तुम ये सब कुछ? चलो मैडम आप तो 91 नहीं हो ना, आप तो पेपर खराब जाते थे ना कभी तो? हाँ ठीक जाते थे। फिर घर वाले को क्या बोलते थे आप? ठीक ठाक एकदम ट्रू हो तुम, तुम्हारे प्रिंसिपल्स एकदम राइट है। मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ दो दोस्तों की। हाँ नहीं पर देख कहानी सुन, बहुत अच्छी कहानी है और रियलिटी है ये, और धीरे धीरे वो फ्रेंड से मिलाऊंगा भी कभी कभी। सो एक दोस्त का नाम है राहुल जो मैं हूँ, और दूसरे दोस्त का नाम है विशाल। विशाल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ओके हम
हम लोग बचपन से ना थर्ड स्टैंडर्ड से सेम स्कूल सेम बिल्डिंग, बीच में थोड़ी कॉलेज अलग हो गई थी पर ठीक है। सच्ची में सच्ची एकदम सच्ची मुच्ची। अब पेपर तो दोनों के सेम ही जाते थे खराब। अब पहले जाते थे हम उसके घर बिकॉज उसका घर पहले आता था। मम्मी ने पूछा पेपर कैसे गया, बहु मस्त, गुजराती हम लोग, तो मम्मी ने बोला बहु मस्त के कितना कितना उसे है 65-70। साला पेपर 50 का लिखा है, 65-70 कैसा आएगा। मैं टेंशन में बोला तेरे को कैसा आएगा रे 65-70, पागल ऐसे ही बोला है। मैं बोला क्यों, बोलता अभी अगर बोलूँगा ना फेल होने वाले हैं तो पढ़ेगी और कल से पढ़ाई करने बैठना पड़ेगा। बोला यार पॉइंट तो है। ये हो गया कौन, विशाल। अब कौन आ रहा है, मैं गया घर पे, मम्मी ने बोला पेपर कैसे गया, बेकार एकदम बकवास, तेरे को बोलती थी ना पढ़ाई कर। नहीं नहीं पढ़ाई तो की थी, वो पेपर ही आउट ऑफ द पोर्शन डाला था मैम ने मेरे को। सब जितना मैम ने पढ़ाया वो सब आता था पर वो पेपर में आया ही नहीं, खराब गया। अब उस दिन अगर मैं नॉर्मली आई हैव माई फूड बाई 7:38 इन द इवनिंग, अभी तक स्कूल से प्रैक्टिस से अभी भी खा लेता हूँ, तो उस दिन क्या करने का पता है, 8:30 तक बोलने का ही नहीं भूख लगा है। फिर मम्मी आके पूछे कि भूख नहीं लगा है, नहीं वो पेपर खराब गया है ना, मेरा ध्यान उधर ही है, तो मम्मी खुद खाना खिलाएगी अपने को। नहीं नहीं खा ले, होता है कभी कभी। फिर कल सामने से बाहर नहीं जाने का घूमने फिरने, मम्मी आके पूछेगी घर पे क्यों बैठा है, वो कल पेपर खराब गया है ना। नहीं नहीं तू जा घूमने जा, होता रहता है ये सब। अब विशाल भी घूम रहा है, मैं भी घूम रहा हूँ। विशाल ने क्या बोला अपने घर पे, अब मैं तो पहले से बोल दिया मैं फेल होने वाला हूँ, थोड़ा पुश करना पड़ता है। वो रिजल्ट आया ना उसके 5-10 दिन पहले वापस जाने का मम्मी के पास, मम्मी सुना है 100 लोग में से 90 फेल हो गए। और बाद में जब रिजल्ट और अपने फेल हो जाते हो मेजोरिटी विंस। पर उस दिन बहुत मजा आने वाली है, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो अपने तो फेल पहले से बता दिया था, तो उस दिन अपने को पढ़ने तो वाले ही नहीं है, खाली थोड़े बहुत भाषण मिलेंगे कि पढ़ो बरोबर ये वो। उस दिन विशाल को तो जो पढ़ती थी ना, यस और नो, इसीलिए सीरियसली आज भी विशाल ना ऐसे प्रिंटिंग के धंधे में प्रिंटिंग करता है, बॉक्स बॉक्स प्रिंट करता है, मैं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मेरे को तो लगता है मेरे खून में बचपन से कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म था। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेल्स यू कि अगर कोई लॉस होने वाला है तो होना हुआ नहीं है, अगर होने तो अभी से रिकॉर्ड कर दो, पर कोई प्रॉफिट होने वाला हो तो रिकॉर्ड नहीं करो। नाउ अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट विच आई टॉट यू। कॉस्ट प्राइस कितना, मार्केट प्राइस कितना, लोगों को कितना बोलने का, नहीं 12 में बिकेगा, कहाँ बिका, बेचेंगे तभी ना, हम कितना दिखाएंगे लोगों को, सिंपल। अच्छा रिवर्स में देख लो, मार्केट वैल्यू कितना, कॉस्ट प्राइस कितना, अब कितना दिखाओगे, सर कहाँ बिका, अरे बेचूंगा ही ना पागल, स्टॉक है ना, बेचने के लिए बनाया है ना, बिकेगा, 2000 का लॉस होएगा, अभी तो खुद मेरे पे। यू अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, थिंग्स आर टॉट टू यू बट नॉट इन अ राइट वे, थिंग्स आर टॉट टू यू, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, सर ये 10 होएगा 12 क्या लेने का 10, ये 12 10 क्या लेने का 10, अरे पर काई को, बिकॉज अकाउंट्स कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म फॉलो करने का। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म सिर्फ अकाउंट्स में नहीं लाइफ में भी फॉलो करने का, लाइफ के प्रिंसिपल्स ही अकाउंट्स में आए, समझा। अभी तुम सीए इंटर कर रहे हो ना, सीए इंटर का दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएगा फिर क्या करने का, आर्टिकलशिप करने का, बरोबर कि नहीं। आर्टिकलशिप में बॉस कुछ भी बोलेगा उसको ना बोलने का, पहला क्या बोलने का, बिकॉज सब में हाँ बोला ना तो इट बिकम्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल नॉट बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। तू सब में हाँ बोला, अब बॉस ने तेरे को ले लिया फॉर ग्रांटेड, ये तो करेगा ही, पहला क्या बोलने का, नहीं मैं ट्राई किया 5 दिन पहले मेरे डैड पे। अभी तुम लोग सब मुंबई से हो ना, सो यू ऑल नो स्टेशन वेशन वेरी वेल ना, कांदिवली किधर मालूम तुमको, अंधेरी किधर है मालूम है, बीच में गोरेगांव मालूम आता है,
अब गोरेगांव पे मेरे डैड को कोई बैंक में चेक डिपॉजिट करना, मेरे को सुबह पूछते हैं किधर जा रहा है, अब डैड ऐसे पूछे ना किधर जा रहा है, मतलब कुछ काम तो है ही, मतलब आप बताओ क्या काम है, बोलता है वो गोरेगांव में चेक डिपॉजिट कर देगा क्या, मतलब नहीं मैं बोरीवली जा रहा हूँ, किधर मेरा घर किधर है, कांदीवली से किधर उल्टा बोरीवली, उनका चेक किधर आ गया अभी, अब वो गोरेगांव कांदीवली और अंधेरी के बीच में नहीं आता है, समझा कि नहीं समझा, क्या बोला डैड को मैं किधर जाने वाला हूँ, फिर आधे घंटे के बाद गया मैं डैड के पास, डैड को बोला वो चेक दो, बोलता है भाई तू तो बोरीवली जा रहा था ना, बोला हाँ अभी तुम्हारे लिए मैं जाएगा गोरेगांव चेक डिपॉजिट करने, खाली तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू, और फिर उधर से किधर जाएगा मैं, बोरीवली उल्टा, इमेजिन करो ये, समझा तुमने क्या हुआ, अब मेरे डैड रात को मेरे अंकल को फ़ोन करते हैं और बता दे क्या बोल रहे थे, बोलते तेरे को मालूम है राहुल सुधर गया, तो वो अंकल पूछते क्यों, बोलता आज उसको जाने का था बोरीवली, वो मेरे लिए गया गोरेगांव फिर वो गया बोरीवली, सी माई वैल्यू इज इंक्रीज सो मच, अकाउंट्स क्या कहते हैं पता है, नेवर ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर, ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, येस और नो, अब मेरे को ये मैडम से एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, कितना आया मैडम आपको, 91, दोनों जन को ना, सो माई सिस्टर शी इज 2 ईयर्स यंगर टू मी, 2 साल छोटी है मेरे से, उसको भी 91 आया, पर वो आज तक लाइफ में कन्फ्यूज है, बिकॉज जब मेरे को पास हुआ ना मैं, अब मैं परसेंटेज बता देता तुमको, मेरा रियल परसेंटेज 72, कितना 72, 72 आया ना मेरे को, मेरे डैड ने पूरे बिल्डिंग में पार्टी दिया लोगों को, और 2 साल के बाद मेरी सिस्टर पास हुई और उसको कितना आया, कोई पार्टी वार्टी नहीं, कुछ भी नहीं, अब मेरी बहन को ना एक कंफ्यूजन है लाइफ में और मैं वो क्लियर नहीं करना चाहता हूँ, मेरी बहन को लगता है कि मेरे डैड को मुझसे ज़्यादा प्यार है, बिकॉज मेरे टाइम पार्टी और उसके टाइम, तो अभी भी वो हर टाइम कुछ भी होता है ना, डैड तेरे को ही प्यार करते हैं, डैड तेरे को ही प्यार कर, अपने को तो बेनिफिट लेने का, मतलब हाँ डैड मेरे को ही प्यार करता है, अब रियलिटी क्या है मालूम है वो प्यार का, कि मेरे को 10th स्टैंडर्ड के प्रीलिम तक आता था 40, और 40 के बाद आया कितना, मेरे अंकल ना ही वॉज अ प्रिंसिपल इन वन ऑफ द स्कूल, उनको रिजल्ट पहले ही मिल जाता था, 15 दिन पहले रिजल्ट मिल जाता था, जस्ट इमेजिन, और मेरे को किसी ने नहीं बताया मेरे को 72 है, मेरे को लगा रिजल्ट आ गया है, घर पे फूल चहल पहल चल रही है सब लोग, और वो शोर आवाज में बातें हो रही है, पर मैं किसी को मेरा रिजल्ट बताऊँ ना, नहीं आया नहीं मेरे पास इस टाइम, और सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, मेरे को लगा फील विल नो हो यार राहुल, और मैं पहने तो अच्छा किया था लास्ट में, एंड दैट ऑल्सो वॉट बिकॉज यू नो वो प्रिलिम तक 40 40 40 40 आते थे, फिर मेरे को किसी ने बोला कि राहुल तेरे को 40 आएगा ना तो तू बाल भारती में जाएगा, कांदीवली में कॉलेज है, स्कूल है कि कॉलेज है मालूम ही नहीं पड़ता है, बाल भारती नाम है उसका, तो अपना तो एम्स एंड एम्बिशन बहुत हाई था, अपने को किधर जाने का था, एन एम मिठीबाई, या तो फिर टाउन, क्राउड अच्छा होना चाहिए कि नहीं, कॉलेज में सबसे पहले तो अपन लड़की देखने जाएंगे ना उधर, हाँ ना लड़की लड़के देखने जाएंगे ऐसा नहीं, पर क्राउड ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं अपने लिए, तो अपने को कौन सा कॉलेज अच्छा लगा, मिठीबाई, एनएम, टाउन, तो उसके लिए किसी ने बोला कितना परसेंटेज लाना पड़ेगा, मिनिमम 60+, तो मैं तो फुल पढ़ाई किया था, और ये लोग मेरे को रिजल्ट, मैं लिटरली जिस दिन रिजल्ट लेके घर पे आया ना, तो मेरी बहन ने मेरे हाथ से रिजल्ट छीना, बोलती इसको सच्ची में 72 है, बोला हाँ तो मेहनत किया है यार रियलिटी में, एंड माई डैड वॉज सो हैप्पी दैट ही थ्रू अ पार्टी, इट्स ट्रू इट्स फैक्ट, और मेरी बहन को कितना आया, नो पार्टी, क्यों, 9th में कितना आया था 90, 8th में कितना आया था 90, तो 10th में कितना आया 90, क्या क्या नया है, एब्सोल्युटली क्या नया है, गॉट इट, और ये मैं नहीं सिखा रहा हूं, ये आपको अकाउंट्स बोल रहा है, ये आपको अपना लाइफ बोल रहा है, क्या बन के रहना है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब कंजूस, अकाउंट्स में फ्यूचर में कोई भी लॉस होने वाला है तो पहले से रिकॉर्ड, पर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो रिकॉर्ड, और तुम लोग कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट समझा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द वर्ड नोन एज आर डी डी, फुल फॉर्म,
रिजर्व फॉर, वेरी गुड। क्या स्कॉलर लोग हो तुम लोग। सर बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? उसको बैड डेट्स बोलते हैं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या होता है? तुमको कंफ्यूजन है, तुमको डाउट है कि शायद पैसा, पर तो भी तुम लोग पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देते हैं। क्यों? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एंड व्हाई एम आई टीचिंग यू ऑल दिस? नॉट बिकॉज सर क्लोजिंग स्टॉक शुड बी एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लेस, यू नो दैट। नॉट बिकॉज आरडीडी, यू नो दैट। बट नाउ समथिंग इन द वर्ल्ड विल कम व्हेन यू डोंट नो दैट। अब चार्टर्ड बन रहे हो, चार्टर्ड बनने में नई नई चीजें आएगी, तो अभी दिमाग में ये क्लियर डाल दो कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो अकाउंट्स में पहले से लिख देने का कि हो गया लॉस। पर अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला हो तो नहीं बोलने का। और दुनिया ऐसे ही चलता है। अभी वही रिजल्ट वाला एग्जाम्पल लो, और मॉम ने बोला या रिलेटिव ने पूछा कितना आएगा, 90। फिर 89 आया, तो रिलेटिव क्या बोलेगा पता है तुमको? 89 आया, 90 बोल रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस। अरे एक ही कम आया था, बट देन ऑल्सो पीपल विल से यू गॉट वन लेस। सो वाई टू शेयर टू पीपल की 90 आएगा, पहले से क्या बोलने का 80 आएगा। और 80 आने के बाद क्या आया? नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द कंपनी हु विल डू दिस। रिलायंस ने बोला प्रॉफिट कितना आएगा, 90, और 89 आया, तो अपन रिलायंस को जाके बोलेगा प्रॉफिट कम क्यों आया। बट अगर रिलायंस ने पहले से प्रॉफिट अपने को 80 बताया होता और अगर 89 आया होता, तो कैन आई से वी आर मोर देन हैप्पी विथ रिलायंस? तो रिलायंस को अकाउंट्स बनाते वक्त क्या फॉलो करना चाहिए? कंजर्वेटिज्म। इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेल्स मी दैट वी शुड रिकॉग्नाइज ऑल पॉसिबल losses but not to recognize any possible future profit. Do you all agree with that? Yes. Any doubts? दिमाग चल रहा है बरोबर से? This is all basics that I'm putting into it. मेरे को एक और अच्छा example याद आ रहा है, because conservatism तो दिमाग में जाना ही चाहिए। और इनफैक्ट तुम लोग आज जाके ऐसे गूगल या यूट्यूब पे भी डालोगे तो मिल जाएगा। I have my own channel in YouTube which is known as राहुल मलकान, डाल देना, सब लेक्चर्स मिलते हैं वहाँ पे। हम लोग ना अपने स्टूडेंट्स, हमारे जो सारे इंटर के स्टूडेंट्स, हम इसको याद रहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म बाय हैशटैग सिद्दीक सर नाम रखा है मैंने इसका। क्या नाम रखा है? अब ये सिद्दीक सर की कहानी है कंजर्वेटिज्म की, इसीलिए। सिद्दीक सर कौन है भाई? एक मेरे अच्छे फ्रेंड है, ठीक है ना। अब उससे क्यों याद करता हूँ मैं कंजर्वेटिज्म पे? तो भाई सिद्दीक सर आए एक दिन, हम लोग दोनों एक ही क्लासेस में काम करते थे। बोलते हैं राहुल, बॉस ने बोला है तू अच्छा पढ़ाता है। बोला हाँ। तो बोलता है बॉस ने बोला है तेरी सैलरी बढ़ जाएगी। क्या बात कर रहा है, सैलरी बढ़ जाएगी, पार्टी दे। हाँ ठीक है चलो कल डिनर पे। तो अभी सिद्दीक सर क्या दे रहे हैं? पार्टी कल। बोला सिद्दीक और कौन कौन? बोल दे तेरे को अपने 5-6 लोग जो है क्लास वाले प्रोफेसर लोग। मैंने सबको बोल दिया, और पार्टी लेने में हम सबसे कमीने लोग हैं, तुम लोग जैसे हो वैसे ही हम हैं भाई। क्या करने का? सुबह से खाना खाने का नहीं, बेस्ट वाला होटल ढूंढने का, और होटल में मेन्यू में ढूंढने का सबसे महंगा डिश कौन सा है, समझा? मैं बात कर रहा हूँ 5-6 साल पहले की, 5-6 साल पहले भी नहीं, 10 साल पहले की ले लो तुम लोग। 2010-11 में हुआ था ये, 5 जन गए थे, 9,000 रुपये का बिल आया था, बराबर है? कौन पे करेगा? सिद्दीक सर। कर दिया सिद्दीक सर ने पे, महीना ख़त्म हो गया। फिर चेक आया, और चेक सेम अमाउंट का आया, सैलरी तो बड़ा नहीं था। तो सिद्दीक सर आके बोलते राहुल सैलरी नहीं बढ़ा। बोला क्या बात कर रहा है, जा बॉस के पास। हम लोग उसको भड़काए बहुत, बिकॉज हमारा एक दूसरा प्लान भी था साथ में कि जब उसका सैलरी बढ़ेगा तो हम भी जाएंगे बॉस के पास कि हमारा भी बढ़ाओ। तो सिद्दीक सर गए, तो हमारे बॉस सिद्दीक सर को बोलते बेटा क्या पढ़ाता है तू? सिद्दीक सर बोलते अकाउंट्स। बोलता तूने फाइनेंशियल ईयर नहीं सुना है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st of April, तेरा सैलरी बढ़ाऊंगा 1st of April से। अब तुमको अगर जोक नहीं समझाना इसके अंदर कि रियल प्रॉब्लम क्या हो गया,
रियल प्रॉब्लम ये नहीं हुआ कि उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, ये प्रॉब्लम हुआ कि पार्टी तो हो गई और 9,000 रुपया तो गया। अब वो आके हमको ये तो नहीं बोल सकता है कि चलो सब लोग कंट्रीब्यूट करो, बिकॉज हम तो कंट्रीब्यूट अभी का खा लिया गया, वो तो सब खत्म हो गया भाई। यस और नो? डोंट यू थिंक सो? सिद्दीक सर इज क्या बताऊं, फ्रेंड है पर बता देता हूं, लाइक फूलिश। क्या करना चाहिए था उनको? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म यार, पहले सैलरी बढ़ने दो, हाथ में आने दो, फिर पार्टी दो। भाई ने क्या कर लिया? सर आप डेटर पे बोलते हो कि शायद हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तो सर रिकॉर्ड कर ले, तो आप ऐसे क्रेडिटर भी करो ना, शायद हम पैसे नहीं देंगे तो देखो इनकम हो जाएगी। शुड वी डू दिस? वी शुड नॉट। क्रेडिटर पे डाउटफुल डेट्स क्रिएट नहीं करते कभी भी, डेटर पे डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं। परफेक्ट है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म गया पक्का। एक खतरनाक कॉन्सेप्ट आ रहा है, आज का लास्ट होगा ये, बिकॉज आज अभी तुम्हारा दिमाग भर गया है। तो दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल। और एक कॉन्सेप्ट करा दूंगा, बिकॉज ये तीन को बेसिक कॉन्सेप्ट माना जाता है, वैसे 10 कॉन्सेप्ट है बट मैं आज तुम्हें 5 पढ़ा रहा हूं सिर्फ। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या ना, व्हाट इज अक्रूवल? ये अकाउंट्स का बेस है। बोलिए चकास। पर उसका मतलब समझते हो? बोलो। ना वो प्रोविजन हुआ, वो अक्रूवल नहीं हुआ। मीनिंग बहुत अच्छी तरह से बोला बट लोगों को इसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं पता है। अच्छा, पूरे अकाउंट्स को अक्रूवल बेसिस पे बनाना, तो अक्रूवल क्या है? अब एक एग्जांपल पूछूं। फर्स्ट अप्रैल को, फर्स्ट अप्रैल को मैंने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, किस पे? और फर्स्ट मई को मैंने पेमेंट किया। गुड्स कभी परचेज किए? फर्स्ट अप्रैल को। और पेमेंट कभी की? खर्चा कब हुआ? फर्स्ट अप्रैल को कि फर्स्ट मई को? एक आंसर आ रहा है फर्स्ट मई को। सब लोग फर्स्ट मई बोल रहे हैं? कोई भी फर्स्ट अप्रैल बोल रहा है? फर्स्ट अप्रैल, ठीक है। दो आंसर आया, मैं राइट रॉन्ग नहीं बोल रहा हूं, दिस इज माय एग्जांपल नंबर 1, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2। अब आज क्लास आ रहा था ना, कितने बजे का क्लास था अपना आज का? 3 बजे का क्लास था। अब क्लास आ रहा था ना, थोड़ा लेट हो गया, घाई घाई में पैसे लेना भूल गया, टैक्सी पकड़ के आ गया इधर, पैसे तो मैंने बुलाया जिनेश सर को कि सर किधर हो? राहुल क्लास में बैठा हूँ, आ जा। बोला सर आप आ जाओ नीचे। बोलता है क्यों? मिला ये टैक्सी वाले को पैसा देना है, 200 रुपया हुआ। कौन दिया? जिनेश सर। ट्रैवल करके कौन आया था? मैं। खर्चा किसका हुआ, मेरा कि जिनेश सर का? नहीं 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 सोच लो। हाँ तो दूंगा, तेरे को क्या लगता है जिनेश सर इतने अच्छे इंसान है? तेरे को पता नहीं जिनेश सर क्या चीज है? कल जिनेश सर मेरे को नीचे ही मिलेंगे भाई, पहले ऊपर आने के पहले नीचे मिलेंगे। बोले पैसा दे मेरा पैसा, समझा कि नहीं? पर अभी कल की कहानी नहीं बना रहा हूं मैं, तो आज की कहानी बना रहा हूं। मेरे को तो आज की जिंदगी में रहना है। मैं ट्रैवल करके आया, पैसा कौन दिया, खर्चा किसका हुआ? सो बोथ ऑफ योर आंसर्स आर रॉन्ग एक्सेप्ट हर। पहला एग्जांपल, गुड्स कभी खरीदे? फर्स्ट अप्रैल। पैसा कब पे किया? खर्चा कब हुआ? फर्स्ट अप्रैल। फर्स्ट अप्रैल
एंड आई विल प्रूव बाय टू और थ्री वेज, बट दिस इज वेयर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग की अकाउंट्स क्या है. तुम लोग कर ही रहे हो बट अब तुम अंडरस्टैंड करोगे कि क्या है ये. ये एग्जाम्पल पे जाते फिर वो जिनेश सर वाले एग्जाम्पल पे जाते, ठीक है ना. फर्स्ट अप्रैल को जब गुड्स खरीदोगे तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री यू विल पास ऑन फर्स्ट अप्रैल. गुड्स क्रेडिट पे खरीद रहे तो रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे. करेंगे तो एंट्री बनाने की कोशिश करो ना जरा. वेरी गुड. परचेस टू क्रेडिटर्स बोल दू. आज ही बनाया ना वर्ड सीखा ना हम लोग ने. क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिससे हम लोग गुड्स खरीदते हैं पैसा देना बाकी होता है. ये क्रेडिटर बरोबर की नहीं. पैसा कब पे किया. फर्स्ट मई को जो पैसा पे करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे. क्रेडिटर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश यस और नो. अच्छा भाई थोड़ा और नॉलेज दो तुम लोग मुझे और ये नॉलेज मैं तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूँ. समथिंग विच इज नोन एज रियल पर्सनल परचेज अकाउंट. कौन सा अकाउंट है. इज इट रियल पर्सनल और नॉमिनल. चलो क्रेडिटर बोल दो. क्रेडिटर पर्सनल. क्रेडिटर पर्सनल कैश रियल. नहीं पता है हमें. नहीं पता है डरना भी नहीं. इसलिए बोल रहा हूँ ये तीन चार सेशंस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. यही तो हमें पता करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं. परचेज नॉमिनल है. एक ही अकाउंट नॉमिनल है चारों ट्रांजेक्शन के. ये चारों अकाउंट के अंदर कौन सा. और नॉमिनल का मतलब होता है खर्चा. तो खर्चा तो आपने फर्स्ट अप्रैल को ही रिकॉर्ड कर लिया है. अच्छा अगर ये भी नहीं पता चलता तो तू ये सोच ले कि परचेज तू ट्रेडिंग के डेबिट साइड लिखता है कि नहीं लिखता है. वही तो खर्चे होते हैं. तो ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड तो फर्स्ट अप्रैल को आ गया था. फर्स्ट मई को तो नहीं आया था ये. एंड नाउ व्हाट यू टोल्ड ना जो बोला ना वो स्टेटमेंट का मीनिंग समझना है. व्हाट ही सेड बरोबर एकदम राइट वर्ड बोला था उसने. अक्रूवल. अक्रूवल का मतलब क्या होता है सर. ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हैपन नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड और पेड. गाइस पैसे का इंपॉर्टेंस नहीं है अकाउंट्स में. ट्रांजैक्शन का इंपॉर्टेंस है. किसका इंपॉर्टेंस है. ट्रांजैक्शन का इंपॉर्टेंस. मैंने तुम्हारा लेक्चर लिया कि नहीं लिया. आज मेरा इनकम हुआ. हो गया. जिनेश सर ने पैसा दिया. नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है. जिनेश सर मेरे को पैसा देंगे मंथ के एंड पे. मेरा मंथ के एंड पे इनकम नहीं होगा. इनकम तो आज हुआ. गॉट दिस सर. अगर हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे काम ही नहीं करें ना तो हमारे बैलेंस शीट में डेटर क्रेडिटर नाम की चीज ही ना हो. डेटर बनते ही इसीलिए बिकॉज हम ट्रांजेक्शन को उसी दिन रिकॉर्ड कर लेते जिस दिन सेल हो जाता है. सेल करना जरूरी है. पैसा आना जरूरी बिकॉज वो तो आ जाएगा. सर नहीं आएगा तो उसको बैड डेट्स बोलना बाद में. सर ऐसे सब लोगों से पैसा नहीं. ऐसा नहीं होता. बिजनेस इज हैपनिंग ऑन ट्रस्ट एंड ट्रूथ एंड थिंग दैट इज गोइंग कंसर्न. कॉन्सेप्ट समझा. अच्छा दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको. दूसरा एग्जाम्पल. और मैं बहुत सोचने की कोशिश भी की कि आपको मैं वहां पे लेके जाऊं. मैंने ट्राई भी किया पर आप फिर भी गलत बोल रहे थे. मैंने पूछा भी क्वेश्चन ट्रैवल कौन किया. मैंने पेमेंट किसने किया था. खर्चा किसका हुआ. मेरा. जिनेश सर का खर्चा ही नहीं हुआ. जिनेश सर का कहाँ खर्चा हुआ. उन्होंने तो खाली पेमेंट की है. सर कैसे. तो आप ये सोचो अभी एग्जाम्पल नंबर टू. ये है राहुल बरोबर है और ये है जिनेश सर बरोबर है कि नहीं. अच्छा मैं क्या एंट्री पास करूंगा. व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट आई विल पास. मैं ट्रैवल करके आया. वापस मैं रिपीट करता हूँ. मैं कैब में आया. पैसे मैंने नहीं दिए. पैसे किसने दिए. मैं रिकॉर्ड करूँगा कि नहीं करूँगा. करूँगा. और क्या रिकॉर्ड करूँगा पता है तुम लोग को. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. पैसा मैंने पे नहीं किया तो मैं लिखूंगा टू वॉट जिनेश सर. और ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा रिकॉर्ड हो गया आज तो जिनेश सर क्या रिकॉर्ड करेंगे. नहीं जिनेश सर ने ट्रैवल नहीं किया. नहीं सर उल्टा. राहुल टू कैश.
जिनेश सर तो क्या रिकॉर्ड करने वाले कि उनने तो राहुल को खाली कैश दिया। अच्छा अभी कल मैं जिनेश सर को पैसा दूंगा तो कल मैं रिकॉर्ड क्या करूंगा, जिनेश सर टू कैश, और जिनेश सर क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश टू राहुल। उन्होंने आज क्या रिकॉर्ड किया, राहुल टू कैश। कल क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो आज राहुल को कैश दे रहे, कल वो राहुल से कैश। वो खर्चा कहाँ हुआ उनका यार। तो आप ना दिमाग में पहले एक चीज क्लियर करो, एक्सपेंस इज डिफरेंट फ्रॉम कैश, एक्सपेंस इज डिफरेंट फ्रॉम कैश। समझ रहा है, थोड़ा है जाएगा, ऊपर जाने वाला है, बट यही तो फीलिंग आने वाली है। अब फीलिंग क्या आने वाली है बता बेटा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे तुमने रेंट लिखा है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरा रेंट पे कर दिया हो, नहीं, उसका मतलब है कि हमने एक प्रॉपर्टी उतने वैल्यू की यूज की है। सो अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, तुमने एक प्रॉपर्टी के लिए रेंट पे, प्रॉपर्टी का रेंट है 1,000 रुपया पर मंथ, मैंने 12 मैंने वो प्रॉपर्टी यूज कर ली, पर पेमेंट मैंने सिर्फ 10 महीने की थी। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे रेंट कितना लिखूंगा, एंड आई विल रिपीट द क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट। एक प्रॉपर्टी लिया था मैंने रेंट पे, रेंट कितना था, 1,000 पर मंथ, कितने मैंने यूज की, 12 मैंने यूज कर ली, पर पेमेंट कितने महीने का किया, 10 मंथ्स। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे रेंट कितना आना चाहिए, पूरा 12,000 आना चाहिए। हाँ अब मैं आपको बताता हूं कैसे आएगा ये, तो आप वहां पे रेंट लिखेंगे 10,000, फिर एक एडजस्टमेंट आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 2,000, फिर आप बोलेंगे ऐड टू रेंट, तो 2,000 रुपया ऐड करेंगे, तो अल्टीमेटली 10 + 2 = 12 आ गया कि नहीं, और बाकी का 2,000 कहाँ आएगा, बैलेंस शीट लाइफ। बट पीएनएल में रेंट कितना आया, 10 नहीं आया, 12 आया। व्हेन यू से एक्सपेंस इन अकाउंट्स, इट मींस कि इतना बेनिफिट हमने ले लिया है, विच इज नॉट इक्वल टू कैश, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल का मतलब, 2 मिनट रुक जा, सेल का मतलब पैसा आ गया नहीं, परचेज का मतलब पैसा चला गया नहीं, परचेज का मतलब इतना गुड्स आ गया, सेल का मतलब इतना गुड्स चला गया। इज दिस क्लियर, 2 मिनट हम खत्म ही कर रहे, फिर आप आराम से वॉशरूम जाइए। कोई डाउट्स है, आज मैं कुछ नहीं लिखा रहा हूं, मैंने आपको नोटबुक लाने के लिए कहा था, बट आपको पढ़ाने का मजा आ रहा था तो मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, आप मुझे याद कराएंगे कि हम लोग को इतना कुछ लिखना है। लीव यू अर्ली टुडे, फर्स्ट डे है, बट आज तुमने को फूड फॉर थॉट दे दिया। अब तुमको सीए इंटर का लेवल समझ में आ गया कि अपना लेवल ये नहीं कि हमें यहां जाना है वहां जाना है। डू यू अग्री विद दैट वन, अपना लेवल ये कि अपने को इन डेप्थ जाना पड़ेगा। नाउ गिव मी क्विक फायर आंसर्स एंड टेल मी यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक कीपिंग पता चल गया, अकाउंटिंग पता चल गया, हम लोग बुक कीपिंग करने वाले, अकाउंटिंग करने वाले, अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट टर्म, बिजनेस पता है, गुड्स पता है, असेट्स और गुड्स में डिफरेंशिएट कर पाओगे। अच्छा ये क्लास के लिए गुड्स क्या है, बेंचेस गुड्स नहीं हुए, नहीं वो भी गुज नहीं हुआ। अभी तो ये सब गुज बोल रही है ना, मेरे को बहुत डर लग रहा है, पता है क्यों डर लग रहा है, पता है जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा वो अपना बेंच लेके घर जाएगी, सर मेरा बेंच, मालूम पड़ा दूसरे दिन आके एसी लेके जा रही है घर, नहीं मैडम वो मेरे असेट्स है। सर्विस, बुक्स दूंगा तुम्हें, और बुक्स गुड्स होंगे कि नहीं मेरे लिए, गुड्स गुड्स लेके जाओगे। अब मिल्कमैन बेटा जब दूध देने आता है तो तू दूध लेती कि साइकिल ले लेती उसकी, ठीक है ना, दूध लेना साइकिल नहीं लेना, वरना मालूम पड़ा ला साइकिल दे कैन दे। गुड्स एंड असेट्स क्लियर है, अच्छा डेटर्स क्लियर, क्रेडिटर क्लियर, कैपिटल क्लियर, कैपिटल इज असेट और लायबिलिटी, प्रॉफिट इज असेट और लायबिलिटी। और फील आ रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज मैं लायबिलिटी बोल रहा हूँ, फील आ रहा है। अच्छा देन डू यू नो वट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग, यू नो वट इज गोइंग कंसर्न, यू नो वट इज कंजर्वेटिज्म। अक्रूवल पे बहुत मेहनत करना है, मैंने नहीं पढ़ा अक्रूवल ऐसे समझ के चलो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस यहाँ से चालू करूँगा। सो मैं ये अक्रूवल को डिलीट कर देता हूँ, ये फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, ये फाइल को मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे,
इंट्रोडक्शन टू एडवांस अकाउंटिंग डाल देता हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, लिखना चालू करेंगे। जगास बोलो, और तुम लोग के नाम बोलो, मैं थोड़ा याद रखने की कोशिश करूंगा आज से। ये यहाँ से प्रथम, ममता, श्रद्धा, प्रिया, बहुत कंफ्यूजिंग है, श्री बोलेंगे हम सिर्फ, समृद्धि, ये तो और भी कंफ्यूजिंग हो गया। कोई छोटा सा नाम नहीं है तेरा ऐसा कट कट, अल्बिया ही बोलना पड़ेगा, बोल देंगे चलो। ऑल ऑल अच्छा है, ऑल हाँ, श्री एंड ऑल, शामी, श्रावणी, ये भी अच्छा नाम है, वेरी गुड नाम। यू आर महारस्टियन? आई हैव अ महारस्टियन वाइफ। मैं गुज्जू है, वो महारस्टियन है। मैं प्योर वेजिटेरियन, वो प्योर नॉन वेजिटेरियन। अब श्रावणी मैं तेरे को क्या बताऊँ, हमारी शादी हो रही थी ना, शादी हो रही थी ना हमारी, तो सब लोग ना उसके साइड के सब लोग टेंशन में। आई एम अ गुड लेवल ऑफ प्रोफेसर यार, पूरा इंडिया में अपने को लोग पहचानते। तो मैं बोला ये लोग खुश नहीं है कि तेरा मेरे से शादी हो रहा है? बोलता है वो लोग खुश तो है, वो लोग बोल रहे अभी तू नॉन वेज कैसे खाएगी, रोज मुझे खाती है, वो बात अलग है। प्रथम प्रथम दोनों, हाँ तू लेट आने वाला प्रथम, पर नेक्स्ट टाइम लेट नहीं आना। यस मैम, सो कंफ्यूजिंग। अनु, चलो सहेल, ली नहीं आया, सहेली, दैट्स गुड, इट्स एक्चुअली नेम लाइक अ फ्रेंड ना, सहेली इज फ्रेंड। श्रावणी राइट, अभी मैं नाम याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मराठी लोगों को याद रखना पड़ेगा वरना वो घर से मार पड़ती है। रोहिणी, रोजमी, रोजमीन, नेहा, तो एकदम ऐसे ही नाम होने चाहिए, सिंपल। ये रिया कौन था? ये एकदम सिंपल, ये मस्त वाले लोग अपने, पुराने ज़माने में यही दो तीन नाम, रय, जयेश, सुरेश, दीपेश, राहुल, यस सर, सोहेब, ये भी अच्छा नाम है, मैं याद रखूँगा। किसी दिन कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो टेंशन नहीं लेना लाइफ में, ठीक है? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, जकास।